हेलो एवरीबॉडी आई अनीशा वेलकम टू बैगनेट ब्रीन्स टूडे विल बी स्टार्टिंग विथ आर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक हॉन्बिल व्हिच इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी न व्हाट इज अ पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट क्या होता है पोर्ट्रेट यानी कि पिक्चर या किसी की तस्वीर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अटोरी ऑफ द ऑथर खुशवंत सिंह जो हमारे ऑथर हैं खुशवंत सिंह है, है ये उन्हीं की स्टोरी है ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर ओवर दस वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है वो इस चैप्टर में आपको बताएंगे ही पेंड्स डाउन हॉर डेली एक्टिविटीज़ एंड हाउ शी इवाल्व्व्ड एज अ कैरेक्टर एज़ टाइम पास बाय वो पूरा इस चैप्टर में बताएंगे कि वो एज अ कैरेक्टर उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी यानी कि उनकी अपेयरेंस कैसा था कैसा क्या पहनती थी क्या उनकी हैबिट्स थी वो सब इस चैप्टर में क्लियर करेंगे और वो कैसे जिससे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया टाइम पास होता गया उनकी लाइफ से वो कैसे एक कैरेक्टर के तौर पर बदलती गई पहले कुछ और हैबिट्स थी टाइम पास हुआ धीरे धीरे कुछ और हैबिट्स बढ़ गई ही एक्सप्लेन अप्योरेंस विच हेल्प्स टू क्रिएट एन इमेज इन रीडर्स माइंड वो उनका पूरा अपीयरेंस कि कैसे दिखती थी क्या पहनती थी किस तरीके से वॉक करती थी सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे ताकि रीडर्स या जो भी हम पढ़ रहे हैं हमारे माइंड में क्लियर क्लैरिटी रहे कि उनकी ग्रैंड मदर दिखती कैसी थी फ्राम हेयर वी विल भी स्टार्टिंग अ चैप्टर एक एक वर्ड टू वर्ड हम मीनिंग्स एंड एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करेंगे सो देर वुड बी नो डाउट्स इन योर माइंड सो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन वो कह रहे हैं मिस्टर खुशवंत सिंह कि मेरी ग्रैंड मदर जो है दूसरे सब ग्रैंड मदरस की तरह बहुत ओल्ड थी शी है ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द ट्वेंटी ईयर्स डेट आई हैड नोन हर वो बहुत ही ओल्ड और रिंकल्ड है रिंकल्ड यानी हैविंग लाइन्स और फोल्ड जब चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ हो जाती हैं जब एक ओल्ड पर्सन के फेस पे एज के बाद एक झूरी आ जाती है तो उसको हम रिंकल्ड कहते हैं तो उनका जो पूरा फेस था पूरा रिंकल्ड था झुर्रियों से भरा हुआ था और पिछले ट्वेंटी ईयर्स से मैं उनको एग्जैक्टली ऐसे ही देख रहा हूँ वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हैं। ऐसा हमारे पोएट ऑथर खुशवंत सिंह कह रहे हैं पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड असबेंड वो कह रहे हैं कि लोग कहते थे कि अपने टाइम में वो कभी बहुत प्रिटी बहुत सुंदर हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी थे यानी कि खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर भी थे बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव पर खुशवंत सिंह के लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो पिछले ट्वेंटी ईयर्स से अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे ही देख रहे हैं बहुत ओल्ड बहुत बुजुर्ग पूरे रिंकल्ड से भरे हुए तो उनके लिए ये चीज़ बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि वो इतनी प्रटी हुआ करती थी अच्छा वो इतनी सुंदर हुआ करती थी तो ये उनके लिए बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट है माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम वो कह रहे हैं मेरे ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट है जो पिक्चर है हमारे घर के ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है उसके ऊपर हंग है यानी कि हैंग किया हुआ रखा है हमने न वट इज़ अ मेंटल पीस लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर पुराने ज़माने में लोगों के घरों में से फायर जलती थी और कुछ वुडन या मार्बल का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता था, था जिसके ऊपर लोग आ, अपने घर के बड़ों के या किसी के पिक्चर लगा देते थे या कुछ डेकोरेटिव चीज़ लगा लेते थे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए तो इस तरीके से खुशवंत सिंह के घर में भी एक मेंटल पीस था जहाँ पर इस जगह पर जस्ट इस फायर के ऊपर उनके ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट यानी कि पिक्चर लगी हुई थी ही wore a big turban and loose fitting clothes अब वो अपने ग्रैंडफादर का अपीयरेंस बता रहे हैं कि वो पिक्चर में जो वो देख रहे थे अपने घर के ड्राइंग रूम में he is wearing a turban वो एक पगड़ी पहनते थे and wearing a loose fitting clothes बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनते थे his long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old तो वो बता रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी सी बियर्ड यानी दाढ़ी थी वाइट कलर की और बहुत बड़ी सी जो पूरा ये उनका एरिया कवर कर रही थी और ऐसा लग रहा था उनकी पिक्चर देखी कि वो पूरे पूरे सौ साल के हैं इतने ओल्ड दिख रहे थे ही डिड नॉट लाइक टू सॉ ही डिड नॉट लाइक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु हैव अ वाइट वाइफ और चिल्ड्रेन तो वो कह रहे थे कि वो ऐसे नहीं दिख रहे थे इतने कि उनकी कभी कोई वाइफ हुई होगी या कभी इनके बच्चे भी हुए होंगे क्योंकि वो तो बहुत बुजुर्ग दिख रहे थे ही लुकड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉड्स एंड लॉड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता था कि इतने बुजुर्ग हैं कि इनके तो सिर्फ बहुत सारे पोता पोती ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे लेकिन इनकी कभी कोई वाइफ या इनके कभी कोई बच्चे रहे ही नहीं होंगे वो इतने ओल्ड दिख रहे हैं एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग शॉफ्ट एंड टोल्डर्स ऑफ द गेम्स यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड तो ये जो थाट है कि मेरी ग्रैंड मदर अपने ज़माने में बहुत प्रटी बहुत ब्यूटीफुल रही होंगी और ग्रैंडफादर की जो मैं सामने इस वक्त पोर्ट्रेट में पिक्चर देख रहा हूँ ये थॉट ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग है यानी कि अपनी दादी को इमेजिन करना एक प्रटी वुमन के तौर पे और सामने एक बहुत बुजुर्ग आदमी की तस्वीर देखना और सोचना कि ये दोनों वाइफ हस्बैंड थे ये थॉट ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग था खुशवंत सिंह के लिए इट वाज रिवोल्टिंग यानी हार्ड टू बिलीव वो ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है

ना वट इज़ एब्जर्ट इलॉजिकल जिस बात में कोई लॉजिक नहीं हो कोई मतलब नहीं हो एंड फैबल्स यानी कि अ शॉर्ट स्टोरी छोटी छोटी कहानियाँ जिसमें कोई मॉरल या लेसन निकलता है उनको हम फैबल्स कहते हैं तो खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि दादी की ये बात कि मैं तो बचपन में बहुत सारे गेम्स खेलती थी इंजॉय करती थी ये बात बहुत एब्जर्ट लगी मुझे इ लॉजिकल लगी क्यों क्योंकि दादी तो इतनी ओल्ड है उन्होंने ट्वेंटी ईयर से उनको ऐसा ही देखा हुआ है वो इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी कि वो बचपन में यंग भी होंगी और खेलती भी होंगी गेम्स भी खेलती होंगी तो दादी की ये बातें उनको फैबल्स जैसी लग रही थी यानी कि वो शॉर्ट स्टोरी उन कहानियों जैसी लग रही थी जो वो प्रॉफिट यानी पुराने भगवानों की और स्क्रिप्चर्स से रिलेटेड उनको सुनाती थी उस टाइप की कहानियों की तरह उनको ये भी एक कहानी लग रही थी दादी की कि मैं तो बचपन में खेलती थी शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट नाउ यहाँ ऑथर हमको उनके अपियरेंस के बारे में बता रहे हैं कि दादी हमेशा से बहुत शॉर्ट हाइटेड थी फैट थी एंड स्लाइटली बेंड फैट एंड स्लाइटली बेंड ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा दादी का अपेयरेंस कि वो शॉर्ट थी थोड़ी सी फैट थी और थोड़ी सी बेंड थी क्यों क्योंकि वो बहुत ओल्ड थी इसलिए वो बेंड थी उनकी कमर झुकी हुई थी हर फेस वॉश क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर उनका फेस जो था वो बहुत क्रिस क्रॉस था क्रिस क्रॉस यानी उनके फेस पे काफी सारे रिंकल्स थे फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी उनके चेहरे पर जहाँ से जहाँ तक देखोगे सिर्फ रिंकल्स और रिंकल्स और झूरिया ही झूरियाँ ही थी नाउ नो वी वॉज सर्टन शी है सेम एज फॉर ट्वेंटी ईयर्स वो ये कह रहे हैं कि हम इस बात को बिलीव ही नहीं कर सकते कि वो कभी यंग भी रही होंगी वो इतनी ओल्ड है इतनी ओल्ड है कि ये मैक्सिमम ओल्ड है इससे ज़्यादा वो ओल्ड हो ही नहीं सकती लिखा भी हुआ है यहाँ पे अगर आप ध्यान दें शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड स्टेट द सेम एट ट्वेंटी ईयर्स वो इससे ज़्यादा ओल्डर इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती वो इतनी बूढ़ी दिखती हैं एट प्रेजेंट और वो बीस साल से ऐसी ही दिख रही हैं

एंड ब्यूटिफुल यानी जो इन एंड आउट यानी दिल से अपने मन से अपने नेचर से जो सुंदर होता है उसको हम ब्यूटिफुल कहते हैं तो पोएट कह रहे हैं ऑथर कह रहे हैं कि जो मेरी दादी थी वो चेहरे से तो सुंदर नहीं थी बट ब्यूटिफुल थी यानी मन से बहुत सुंदर थी क्योंकि वो भगवान की बातें करती थी हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताती थी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी इसलिए वो बहुत ब्यूटिफुल थी पर चेहरे से प्रति नहीं थी शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट ना वॉट इज hobbled? Walked इन एन ऑकवर्ड वे क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो आप चल नहीं पा रहे हो आपकी कमर झुकी है तो आप डिफिकल्टी से चल रहे हो थोड़ा लड़खड़ा के चल रहे हो उसे हम कहते हैं हॉबल्ड एंड what इज स्पॉटलेस वाइट यानी स्पॉटलेस जिस पर एक भी स्पॉट एक भी धब्बा नहीं लगा हुआ वाइट तो उनकी दादी स्पॉटलेस वाइट कलर की बिल्कुल सफेद साड़ी पहनती थी और हॉबल करती थी घर में यानी कि डिफिकल्टीज से चलती थी बिकॉज ऑफ अर ओल्ड एज वन हैंड रेस्टिंग ऑन अर वेस्ट टू बैलेंस द स्टूप एंड दी अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी उनके दो हाथों में से वो एक हाथ अपने कमर पे रखती थी तो बैलेंस स्टूप यानी अपनी कमर को बैलेंस करने के लिए वॉट इज़ अ स्टूप बैंड वन बॉडी फॉरवर्ड क्योंकि उनकी बॉडी फॉरवर्ड की तरह झुकी थी तो वो इस तरीके से अपने वन हैंड से अपनी स्टूप को अपनी कमर को बैलेंस करती थी और दूसरे हाथ से बीट्स ऑफ रोजरी आपने पुराने ज़माने में के लोगों को देखा होगा जो रुद्राक्ष की माला हमेशा पढ़ते रहते और अपनी प्रेयर्स कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं एग्जैक्टली वो भी यही करती थी एक हाथ उनका कमर पर रहता था और दूसरे हाथ पर उनकी बीट्स ऑफ रोजरीज रहती थी और वो कंटिन्यूसली अपनी प्रेयर्स बोलती रहती थी हर सिल्वर लॉक्स ना वॉट इज लॉक्स इस चैप्टर में लॉक्स का मतलब है हेयर एंड सिल्वर लॉक्स सिल्वर क्यों बोला है? क्योंकि वो बहुत ओल्ड थी बहुत बुजुर्ग थी तो उनके व्हाइट कलर के बाल थे तो वाइट कलर को यहाँ पे एक्सप्रेस करा गया है सिल्वर कलर और से और लॉक्स से यानी हेयर तो उनके सफ़ेद कलर के बाल थे विच वॉज कैटर्ड अन टाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस जो हमेशा अनटाइडली बिखरे हुए रहते थे उनके बाल उनके पेल यानी हल्का सा पीले कलर का फेस था यानी कि हल्का सी हल्की सी पीलापन येलोइशनेस थी पेल उनका फेस था एंड पकर्ड फेस था वोट यू मीन बाय पकर्ड अ फेस कॉन्ट्रैक्ट इन टू रिंकल्स यानी एक ऐसा चेहरा जो पूरा रिंकल से भरा हुआ था एंडर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूवड इन इनऑडिबल प्रेयर्स और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली इनऑडिबल प्रेयर्स यानी कि वो अपने मन में ही अपनी प्रेयर बोलती रहती थी आवाज़ बाहर नहीं आती थी तो इनऑडिबल थी कंटिन्यूसली उनके लिप्स चलते रहते थे स शी वॉज ब्यूटिफुल और इसीलिए वो ब्यूटिफुल थी क्यों क्योंकि वो घर में अपना चलती रहती थी आराम से चलती थी सफ़ा सफेद कपड़े क्लीन कपड़े पहनती थी कंटिन्यूसली उनके लिप्स चलते रहते थे भगवान की वो प्रेयर करती रहती थी बीड्स ऑफ रोजरी हमेशा करती रहती थी तो चेहरे से तो वो प्रति नहीं थी बट येस शी वॉज ब्यूटिफुल क्योंकि उनमें ये सारी अच्छी क्वालिटीज थी शी was लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द mountains an expanse ऑफ प्योर white सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट सबसे पहले हम समझेंगे कि एक वर्ड कंटेंटमेंट का मतलब क्या है कंटेंटमेंट यानी अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन यानी जिन लोगों को जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए वो सैटिस्फाइड है वो संतुष्ट है उनके पास सब कुछ है और वो उनको कोई चीज़ की जरूरत नहीं है तो दे आर कंटे वो दे आर कंटेंटमेंट दे आर फुल ऑफ कंटेंटमेंट उनको अब कुछ नहीं चाहिए उनको अपने जीवन में जो हासिल करना था उन्होंने कर लिया तो उनकी दादी वॉज फुल ऑफ कंटेंटमेंट शी वॉज ऑलवेज सैटिस्फाइड विथ लाइफ An expanse of pure white serenity refers to the calm, relaxed and peaceful character of the author's grandmother. iska इसका मतलब है कि वो बहुत काम रहती थी बहुत rehti रहती थी और white color ki की साड़ी पहनती थी तो हमेशा वो dikhti दिखती थी तो was an expanse of pure white serenity सेरेनिटी यानी बिल्कुल पीसफुल दिखती थी उनको जब भी देखोगे तो लगेगी बिल्कुल शांत उनसे एक पॉजिटिविटी आती थी और शांत शांति मिलती थी और वो कंटेंट थी यानी कि उनको उनकी लाइफ में सेटिस्फाइड थी वो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन दे वॉन्ट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर तो खुशवंत सिंह बताते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो दोनों शिफ्ट होकर सिटी चले गए थे अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए और बेटर बनाने के लिए तब तक यहाँ विलेज में मैं और मेरी ग्रैंड मदर कॉन्स्टेंटली आने हमेशा साथ रहते थे शीज़ टू वेट मी अप इन द मॉनिंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल वो मुझे सुबह स्कूल के लिए उठाती थी और मुझे रेडी करती थी शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनाटनस सिंग सॉन्ग वे वट इज मोनोटनस मोनाटनस यानी काफ़ी बोरिंग डल जो रोज़ वो ही वो ही करती हैं तो वो बोल रहे हैं कि वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर सुबह सुबह हमेशा गाती थी वही मुनाटस मुनाटनस तरीके से जो रोज़ सुबह वही गा रही हैं गाना वो सुबह वही भजन गा रही हैं तो बोरिंग लगता था उनको क्योंकि वो वो रोज़ यही सुनते थे शी बाथ एंड ड्रेस्ट मी इन होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट तो उन वो ये क्यों गाती थी गाने सुबह अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स में क्यों गाती थी ताकि उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि खुशवंत सिंह भी उनको उनकी ये प्रेयर्स को लर्न करे बाय हार्ट यानी याद कर ले लेकिन खुशवंत सिंह कभी लर्न नहीं करते थे क्योंकि उनको मोनोटोनस थोड़ा बोरिंग लगता था वो सिर्फ सुन लेते थे क्यों सुनते थे क्योंकि उनको अपनी ग्रैंड मदर की वॉइस बहुत अच्छी लगती थी आई लिसन वो सुनते थे बिकॉज आई लव दर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लिसन इट बॉदर्ड यानी इतनी कंसर्न नहीं थी कि मैं लर्न कर लूँ दैन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हेड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक फिर वो फेच करती थी यानी ढूंढती थी क्या वुडन स्लेट अब पुराने ज़माने में जब बच्चे स्कूल जाते थे तो बुक्स कॉपीज नहीं ले जाते थे वो स्लेट ले जाते थे छोटी सी स्लेट होती है इसको आप मिनी ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हो तो वो उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी स्लेट फेच करके यानी ढूंढ के रखती थी क्लीन करके प्लास्टर करके यानी पूरा साफ़ करके रख लेती थी और येलो चॉक्स जो थी साथ में रेडी करके रख लेती थी अ टाइनी अर्दन इंक पॉट अर्दन यानी कि मिट्टी का छोटा सा एक इंक पॉट भी रखती थी और साथ में उसमें डिप करने के लिए रेड कलर की पेन भी दे देती दे थी एंड अ रेड पेन टाई दॉल इन अ बंडल एंड हैंडेड टू मी और ये स्लेट चौक अर्दन इंक पॉट पेन्स ये सब साथ में बंडल बनाकर कर टाई करके खुशवंत सिंह के हाथ में रख लेती थी एंड मेड हेम रेडी फॉर स्कूल आफ्टर अ of ऑफ थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल तो खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो उनको ब्रेकफास्ट भी देती थी और क्या देती थी मोटी सी स्टेल चपाती स्टेल यानी नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लेजेंट टू ईट यानी एक दिन की रखी हुई बासी रोटी वो खाने को देती थी और उस पर क्या लगा के देती थी बटर लगा के देती थी और शुगर स्प्रेड यानी मीठा शुगर का पेस्ट लगा के देती थी उस पर और फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाते थे शी कैरेट सेवरल स्टेल चपातीज हर फॉर द विलेज डॉग्स और जब वो स्कूल के लिए निकलते थे तो उनकी ग्रैंड मदर बहुत सारी बासी रोटियाँ अपने साथ लेके चलती थी विलेज डॉग्स के लिए उनको लगता था रास्ते में आते जाते हमको कुछ विलेज डॉग्स मिलेंगे तो हम उनको ये रोटियों के टुकड़े दे देंगे माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल द प्रीस्ट टॉट अर्स द एल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर तो ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल क्यों जाती थी क्योंकि जो खुशवंत सिंह का स्कूल था वो एक टेम्पल एक मंदिर से अटैच था जुड़ा हुआ था तो दादी को लगता था कि वो मंदिर में इंजॉय करेंगी वहाँ पे और उन और वो तो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था क्योंकि उनको भगवान की बातें करना प्रेयर करना मॉर्निंग प्रेयर्स रखना बीट ऑफ रोजरी करना तो हमेशा अच्छा ही लगता था तो वो जाती थी और जब प्रीस्ट थे वो उनको क्या टीच करते थे अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर्स तो प्रीस्ट वहाँ के जो मंदिर के पुजारी थे वो तो सारे बच्चों को वहाँ पे मंदिर में क्या पढ़ाते थे अल्फाबेट्स पढ़ाते थे और मॉर्निंग प्रेयर्स यानी सुबह के भगवान के गीत सिखाते थे सो so, चिल्ड्रन इस अब तक के लिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा आप इस पूरे स्क्रीन uh, का एक स्क्रीन ले सकते हैं एंड हम इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे ट्यून्ड सो so, वो उनको मॉर्निंग प्रेयर्स कराती थी वाइल द चिल्ड्रन सैट एंड रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द दरेंडा सिंगिंग द एल्फेबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स तो वो कह रहे हैं कि सारे बच्चे जो थे स्कूल के वो रोज़ में यानी लाइन में बैठते थे और बरांडा में यानी कि जो उनका घर उनके एरिया था उनके मंदिर के स्कूल के बाहर वहाँ बैठ के गाने गाते थे और भगवान की प्रेयर्स गाते थे कोरस में यानी सब मिल साथ में माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स और मेरी ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी वॉट आर स्क्रिप्चर्स द सीक्रेड राइटिंग्स ऑफ आर रिलीजन यानी कि भगवान की किताबें पढ़ती थी वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टूगेदर जब मेरा स्कूल हो जाता था और दादी की स्क्रिप्चर्स भी खत्म हो जाती थी हम दोनों साथ में घर की तरफ वापस जाते थे दिस टाइम द विेज डॉग्स वुड मीटर्स एट द टेम्पल डोर द फॉलो डर्स टू आर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज भी थ्रू टू डेम तो जब हम घर वापस जाते थे तो हमें कौन फॉलो करता था स्ट्रीट डॉग्स वहाँ के जो विलेज के डॉग्स थे वो फॉलो करते थे क्यों करते थे क्योंकि वो हमारे हाथ में क्या देख लेते थे रफ चपातीस देख लेते तो हम उनको चपाती के जो पीसेस थे तोड़ तोड़ के देते थे और वो सब डॉग्स आपस में फाइट करते ग्राउल करते हुए यानी कि गुस्सा करते हुए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते वो रोटी के लिए झगड़ा करते थे तो वो हम हमें रास्ते में वापस जाते वक्त डॉग्स मिलते थे वेन माई पेरेंट्स व कंफर्टेबली सेटल्ड इन दिटी द सेंट फॉर आस यानी कि जब हमारे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए उन्होंने अपनी अच्छी लाइफ सेटल कर दी दे यानी उन्होंने हमको वापस बुलवाया कहाँ सिटी के हम लोग यहाँ सेटल हो गए अब ग्रैंड मदर और खुशवंत आप लोग भी यहाँ आ जाओ अच्छी लाइफ के लिए नाउ दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में कि वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन खुशवंत सिंह एंड खुशवंत सिंह एंड ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप में तो पहले सिटी में पहले तो वो जब विलेज में रहते थे उनको दादी सुबह उठाती थी इन्जॉय कराती थी उनको रेडी करती थी ब्रेकफेस्ट देती थी स्कूल तक छोड़ने जाती थी बहुत सारी चीज़ें करती थी उनका सेम रूम था वो लोग साथ में इन्जॉय करते थे लेकिन यहाँ से जब वो सिटी शिफ्ट हो गए तो उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया क्या टर्निंग पॉइंट था वील we'll स्टडी ऑल दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी अब सिटी में आ गए हैं अब यहाँ पे सेम रूम तो शेयर कर रहे हैं बट अब ग्रैंड मदर जो है साथ में स्कूल छोड़ने नहीं आ रही हैं क्यों नहीं आ रही हैं क्योंकि अब खुशवंत सिंह को एक मोटर बस या एक मोटर गाड़ी जो है लेने आ रही है स्कूल के लिए आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं वो गाँव के वो विलेज के छोटे स्कूल जो मंदिर से अटैच था वहाँ पर नहीं जा रहे हैं इन अ मोटर बस मोटर बस उनको लेने आती थी इसीलिए दादी अब नहीं जाती हैं देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस अब दादी जा तो रही नहीं है स्कूल खुशवंत को ड्रॉप करने के लिए और रास्ते में अब कोई स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं मिल रहे तो दादी क्या करती हैं घर के ही वरान्डा में यानी घर के ही पोर्च में आंगन में बैठ के कुछ स्पैरोज आती है उनको कुछ ब्रेड के टुकड़े देती है उनके साथ ही बैठती है और उन्हें खाना खिलाती है

तो दादी को वो क्या बताते हैं सब इंग्लिश में बताते हैं कि आज मैंने आके मे डी प्रिंसिपल पढ़ा आज मैंने पढ़ा दी अर्थ वॉज राउंड आज मैंने बहुत सारे नंबर्स पढ़े आज मैंने कुछ साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़े बहुत सारी चीज़ें पढ़ी लेकिन दादी यहाँ पर अनहैप्पी हो जाती हैं क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में है और उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो अनहैप्पी हो जाती हैं शी कुड नाट हेल्प मी विथ लेसन और अब वो उनके लेसन्स में उनकी पढ़ाई में हेल्प भी नहीं कर पा रही है शी डिड नाट बिलीव इन द थिंग्स दॉट एट द स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्ट तो दादी कहती हैं कि दादी बहुत अनहैप्पी यानी डिस्ट्रेस हो जाती है यानी कि बहुत सौरव बहुत दुख में आ जाती है कि स्कूल में तुम लोगों को भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है गॉड के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा है यानी कि अच्छी बातें वो नहीं पढ़ा रहे तो दादी इस बात को लेकर बहुत डिस्ट्रेस थी यानी कि बहुत दुखी थी क्योंकि गांव में विलेज में तो उनको भगवान के बारे में मॉर्निंग प्रेयर स्क्रिप्चर्स ये सब पढ़ाए जाते थे बट यहाँ पर उनको गॉड के बारे में, में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है तो ये बात दादी को यहाँ पर अच्छी नहीं लगी एंड शी बिकम्स अनहैप्पी न डे आई अनाउंसड वी वर बी गि म्यूजिक वेरी डिस्टर्ब अब एक दिन खुशवंत जब स्कूल से आते हैं उन्होंने अपनी दादी को बताया कि आज हमें स्कूल में म्यूजिक लेसन पढ़ाए जा रहे हैं अब दादी बहुत डिस्टर्ब हो गई यानी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा टू हर म्यूजिक है क्यों गुस्सा हो गई क्यों उनको बुरा लगा कि क्यों क्योंकि उन्हें लगता था कि जो म्यूजिक है गाना बजाना है ये ल्यूड एसोसिएशन है यानि इनडिसेंट और ऑप्सिन यानी अच्छा नहीं है डिसेंट नहीं है क्यों डिसेंट नहीं है इट वॉज दी मोनोपोली ऑफ हालत एंड बेगर्स एंड नॉट मैंट फॉर जेंटल फोक वो कहती हैं कि ये जो म्यूजिक है ये जो गाना बजाना है ये नाच गाना है ये जेंटल फोक यानी अच्छे परिवार के लोगों के लिए नहीं है ये तो हालत के लिए और बेगर्स के लिए यानी भिकारी और मध्यम वर्गीय या लोअर क्लास की जो फीमेल्स होती हैं ये उनके लिए है ये हम जेंटल फोक अच्छे फैमिलीज़ के लिए नहीं है शी सेट नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसूवल उन्होंने कुछ नहीं बोला मतलब ज्यादा गुस्सा नहीं करा बट चुप रहेगी और उनकी चुप भी बता रही थी कि वो डिसूव कर रही है इस चीज को पसंद नहीं कर रही है शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट उसके बाद तो उन्होंने बहुत ना के बराबरी खुशवंश से बात करी वो इतनी बुरा मान गई थी इस बात से म्यूजिक लेसन की बात से वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन अब यहाँ पे एक थर्ड फेज़ की बात आ रही है कौन सा थर्ड फ़ेज़ पहले फ़ेज़ में तो हमने पढ़ा था कि खुशवंत सिंह विलेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था फिर सेकेंड फेज़ हमने पढ़ा कि जब वो लोग शिफ्ट होकर सिटी पे आ गए और खुशवंत सिंह अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गया अब खुशवंत सिंह का स्कूल ख़त्म हुआ और जैसे सारे बच्चे स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं, खुशवंत सिंह भी गए तो जब यूनिवर्सिटी का फेज आया तो यहाँ से उनका थर्ड फेज स्टार्ट होता है क्योंकि अब खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ सेम रूम शेयर नहीं कर रहे हैं अब वो बड़े हो गए कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आ गए उनको उनका एक पर्सनल रूम दे दिया गया और दादी को उनका एक अलग रूम तो दोनों को सेपरेट रूम्स दे दिए द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड एक रूम ही था जो दोनों के बीच में कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप का क्योंकि दोनों सेम रूम शेयर करते थे अब वो भी स्नैप हो गया यानी कि ब्रेक हो गया टूट गया अब क्लूजन विध रेजिग्नेशन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन और इससे यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वॉट डू मीन बाई एक्सेप्टेड हर सेक्लूजनशन या वाई ग्रैंड मदर एक्सेग्नेशन तो सेक्लूजन क्या होता है सेक्लूजन मीन द स्टेट ऑफ बींग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द पीपल यानी कि एक ऐसी स्थिति जब आप लोगों से दूर हो जाते हो परे हो जाते हो और अकेलेपन में ही रहते हो और प्राइवेटली रहते हो बिल्कुल लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हो तो उन्होंने अपना ये सेक्लूजन ये अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट किया अपनाया कि ठीक है अब मेरा बेटा मेरा पोता जो है एक सेपरेट रूम में रह रहा है विथ रेजिग्नेशन वॉट डू मीन बाय रेजिग्नेशन द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड द लोनली लाइफ एज शी एक्सेप्टेड द सेपरेशन फ्रॉम अर ग्रैंडसन विदाउट ऑब्जेक्शन रेजिग्नेशन यानी उन्होंने इस चीज़ पर कोई आपत्ति कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना लड़ाई झगड़ा करी उन्होंने शांति से इस चीज़ को समझा कि मेरा जो ग्रैंडसन है अब बड़ा हो गया उसको सेपरेट रूम मिलेगा क्योंकि वो कॉलेज में जा रहा है और उन्होंने अपने इस अकेलेपन को भी एक्सेप्ट किया विथ रेजिग्नेशन यानी बिना किसी ऑब्जेक्शन या लड़ाई झगड़ा झगड़े के शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन अब ये स्पिनिंग व्हील क्या होता है ये चरखा जैसे जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो ग्रैंड मदर चला रही हैं तो वो क्या करती थी बोर होती रहती थी तो वो हमेशा अपना स्पिनिंग व्हील अपना चरखा चलाती रहती थी एंड रेयरली लेफ्ट उसको छोड़ती नहीं थी बहुत कम टाइम होता था पूरे दिन में से जो अपने स्पिनिंग व्हील को वो छोड़ती थी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सुबह से लेके शाम तक शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स और चरखा चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर्स अपने मन में बोलती रहती थी ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल्ड टू फीड द स्पैरोज पूरे दिन में से सिर्फ एक आफ्टरनून एक शाम का ही समय था जब वो रिलैक्स करती थी क्योंकि उस वक्त वरांडा में घर के आंगन में उनकी स्पैरोज आ जाती थी वेल शी सैट इन द दरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चोपिंग्स नाउ जब अपने आंगन में अपने वरान्डा में आके बैठती थी तो जब से वो जैसे ही वो ब्रेड के टुकड़े करने लगती थी बिट्स में पीसेस में तोड़ने लगती थी बहुत सारी स्पैरोज वहाँ पे उनके पास आ जाती थी वो ब्रेड पीसेस खाने के लिए और क्या क्रिएट करती थी स्पैरोज अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चॉपिंग्स चॉपिंग्स मतलब जो आवाज होती है स्पैरोज की चहचहाने की जो आवाज़ होती है द नॉइज ऑफ द स्मॉल बर्ड जो चू 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 जो उनकी आवाज़ होती है वो चॉपिंग्स पूरे वरान्डा में वो चॉपिंग्स की उनकी स्पैरो की आवाज़ होती थी अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चॉपिंग्स रेफर्स टू द नॉइज एंड कन्फ्यूजन कॉज बाई चॉपिंग्स ऑफ द स्पैरोज अब जब बहुत सारी स्पैरोज एक साथ आ जाके वहाँ पे बिछ जाती थी पूरे वरान्डा में तो एक कन्फ्यूजन और बहुत सारा नॉइज पूरे वरान्डा में छा जाता था क्योंकि वो समझ जाती थी कि अब दादी आई हैं और उनको ब्रेड पीसेस खिलाएंगी। हेड शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे तो जब स्पैरोज जब आ जाती थी तो कुछ उनकी बॉडी से पर्च करती थी यानी चिपक के बैठ जाती थी या पैर के पास में आके बैठ जाती थी कुछ उनके सर पे आके बैठ जाती थी कुछ उनके शोल्डर्स पे कुछ उनके हैंड्स पे आके बैठ जाती थी पर दादी ने उन्हें कभी भी गुस्से से भगाया या शू शू करके यानी धक्का दे के शू करके भगाया नहीं वो स्माइल करती थी और खुश होती थी इट यूज टू बी दैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ़ द डे फॉर हर ये आधा घंटा जब वो अपनी पूरी स्पैरो ब्रेड फीड करती थी ये उनके पूरे दिन का हैपीएस्ट और बेस्ट आवर होता था और वो सब सबसे ज्यादा चीज़ को इन्जॉय करती थी वेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट अब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई अब और आगे की फर्दर स्टडीज करने के लिए खुशवंत सिंह को अब्रॉड जाना है अब्रॉड यानी कि इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में अपनी पढ़ाई आगे और करने जानी थी तो उनको लगा कि अब तो मैं अब्रॉड जा रहा हूँ अपनी फर्दर स्टडीज़ करने के लिए तो अब दादी बहुत अपसेट यानी बहुत नाराज़ हो जाएंगी आई वुड बी अवे फॉर फाइव ईयर्स एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल विच मीन्स कि मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर अब्रॉड फाइव ईयर्स पाँच साल के लिए अपनी फर्दर स्टडीज कम्प्लीट करने जा रहा हूँ एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल यानी कि उनकी जो ये उम्र थी ऑलरेडी वो इतनी ओल्ड थी मुझे नहीं पता कि मैं जब पाँच साल बाद वापस आऊँगा तो वो मुझे जिंदा या अलाइव मिलेंगी कि नहीं हो सकता है कि मैं जा रहा हूँ और ये मेरी उनसे लास्ट मीटिंग हो मुझे नहीं पता वापस आऊँगा तो मेरी दादी रहेंगी या नहीं बट माई ग्रैंड मदर कुड मेरी ग्रैंड मदर कोड यानी वो जिंदा रहीं वो मरी नहीं उनकी डेथ नहीं हुई उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना के रखा अपने आप को और वेट किया पाँच साल खुशवंत सिंह के लिए कि मेरा बोता आएगा और मैं पाँच साल बाद उससे मिलूंगी शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल जब वो उनको ड्रॉप करने गई रेलवे स्टेशन पे तो वो सेंटिमेंटल यानी बहुत भावों के इमोशनल नहीं हुई तो इससे यहाँ पे हमें ग्रैंड मदर के बारे में क्या पता चलता है कि जो ग्रैंड मदर है वो एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उनका पोता जिससे वो इतना प्यार करती हैं उस उस वो उसका रूम चेंज हो गया तो उन्होंने उस चीज को बिना ऑब्जेक्शन के अपने सेक्लूजन uh, को एक्सेप्ट किया वो पांच साल के लिए जा रहा है वो देख भी नहीं पाएंगे उस चीज़ को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया रूम उनसे अलग हो गया वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने इमोशनली एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी इन सब पॉइंट से हमें पता चलता है शी केम टू लीव मी अट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन हर लिप्स मूव इन प्रेयर हर माइंड वॉज लॉस्ड इन प्रेयर तो वो जब रेलवे स्टेशन पे खुशवंत सिंह को ड्रॉप करने आई तो उन्होंने क्या इमोशनल दिखाया क्या इमोशनल डिसबैलेंस हुई वो बिल्कुल भी नहीं हुई बल्कि उन्होंने खुशवंत सिंह को बस देखा और कंटिन्यूसली अपनी प्रेयर करती रही वो कोई रोई नहीं कोई उन्होंने उनको अपना इमोशन नहीं दिखाया हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी और एज यूजल उनकी फिंगर्स वही रुद्राक्ष की माला पढ़ रही थी बीट्स ऑफ रोजरी साइलेंटली शी किस माई फॉरहेड एंड वेन आई फेल्ड आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज पोहेव द लास्ट साइन ऑफ फ़िजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस वो कह रहे हैं कि जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मेरे फॉरहेड पर किस किया और मुझे ये लगा कि अब मैं जा रहा हूँ और पाँच साल बाद दादी मुझे नहीं मिलेगी और शायद ये मेरा लास्ट इम्प्रिंट है यानि लास्ट मेरी दादी और मेरे बीच का ये फ़िज़िकल टच या फिज़िकल कॉन्टैक्ट है शायद इसके बाद कभी नहीं होगा वॉइस कहने की वेट The, the 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 kiss she did on her, on her his 5 so. years when i came back home and was met पर ऐसा नहीं हुआ station जब मैं पांच साल बाद अपने अब्रॉड में फर्दर स्टडीज करके वापस इंडिया लौटा तो मुझे वो रेलवे स्टेशन पे मिली वो मुझे रिसीव करने आई थी शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर और वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखी पहले जैसे दिखती थी एग्जैक्टली वैसे अभी भी

Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. तो खुशवंत कह रहे हैं कि मेरे आने के बाद पाँच साल के आने के बाद जब मैं घर में आया तब भी उनका जो पहला दिन था मेरे आने के बाद वो बेस्ट डे नहीं था क्योंकि मैं आया था उनके पूरे दिन में से जो उनका बेस्ट टाइम अब भी वही था जो वो स्पैरोज के साथ बैठती थी और उनको फीड करती थी ब्रेड कम्स फीड लौंग विथ रिब्यूक्स अब वट इज फ्रिविलेस रिब्यूक्स फ्रिविलेस मीन्स नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज लाइट हार्टेड जब आप किसी को कुछ बोलते हो सीरियसली नहीं मजाक में ऐसे ही बोल देते हो और चिल्लाते नहीं हो ऐसे ही उनको कैजुअली बोल देते हो रिब्यूक मीन्स डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समन यानी जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए मना करते हो या डिसअप्रूव करते हो हम छोटे बच्चे को बोलते हैं नहीं करो बेटा ऐसा तो हम उसको चिल्ला के नहीं कह रहे हम उसको फ्रिविलेस रिब्यू कह रहे हैं यानी किसी चीज़ के लिए मना तो कर रहे हैं लेकिन बिना चिल्लाए बहुत कैजुअली प्यार से कह रहे हैं तो जो दादी थी जो ग्रैंड मदर थी वो स्पैरोस को फ्रिवलेस रिब्यूक्स करती थी क्योंकि कोई उनके सर पे आके बैठ जाता था कोई शोल्डर्स पे कोई पर्च करके उनके पास आके लेट जाती थी कोई सी स्पैरो तो वो उनको फ्रिवलेस रिब्यूक्स करती थी यानी हट हट जाओ हट जाओ मुझे मत परेशान करो इस तरीके से कहती थी गुस्से में नहीं प्यार से कहती थी ओके इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड अगेन अ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पार्ट कि इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर शाम को जिस दिन खुशवंत आए थे उसी दिन की शाम को एक बहुत चेंज हुआ दादी के बिहेवियर में और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था वो क्या चेंज था वो पढ़ते हम शी डिड नॉट प्रे वो लेडी जो इतनी स्पिरिचुअल है हमेशा भगवान के स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती है उनके लिप्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं साइलेंट प्रेयर्स में बीड्स ऑफ रोजरी रुद्राक्ष की माला हमेशा पढ़ती रहती है उस दिन पहली बार उन्होंने शाम में अपनी प्रेयर नहीं करी ओमिट कर दी यानी कि उस दिन उन्होंने वो मिस कर दी अपनी प्रेयर शी कलेक्टेड द दिमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग उन्होंने उस प्रेयर की जगह क्या किया अपने एरिया की अपने नेबरहुड की मोहल्ले की कुछ लेडीज को विमेन को बुलाया इकट्ठा किया और एक पुराना सा ड्रम एक ढोलक लिया उसको बजाने लग गई और सबके साथ गाना गाने लग गई सिंगिंग करने लग गई और एंजॉय करने लग गई फॉर सेवरल आवर्स थम्प थम्प्ड द स्किन्स ऑफ द डायपिटेटेड ड्रम नाउ घंटों तक वो जो सेगिंग स्किन ऑफ डायलपिटेटेड ड्रम था यानी कि जो वो ड्रम था वो डायलपिटेटेड था यानी बिल्कुल टूटा फूटा था बहुत बुरी कंडीशन में था और जो उसके ऊपर की लेयर जो जिसके ऊपर की स्किन थी वो भी पूरी निकल चुकी थी तो उस टूटे फूटे बुरी कंडीशन वाले डायलपिटेटेड ड्रम यानी बुरी कंडीशन में जो वो ड्रम था उसको कंटिन्यूसली थम करती रही यानी पीटती रही बजाती रही सिंगिंग करती रही और गाना गाती रही डायलपलेटेड इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर और रूहन द फैग इन स्किनपिटेटेड ड्रम इन्स द लूज सर्फिस ऑफ द बोर्न आउट ड्रम बोन आउट यानी पुराना और बहुत बुरी हालत में था वो ड्रम एंड फैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स नॉट इज होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स पुराने जमाने में जब जो वॉरियर्स थे जो आर्मी के लोग थे जब घर वापस आते थे जंग के बाद एक लड़ाई कंप्लीट करने के बाद तो उनके घर में जो उनकी मम्मी होती थी उनकी वाइफ और घर के जो मेंबर्स होते थे वो इस चीज को सेलिब्रेट करते थे होम कमिंग उनके घर वापस आने को सेलिब्रेट करते थे कि हमारा बेटा या हमारा हस्बैंड जंग के बाद लड़ाई करके घर वापस पहुँचा जिंदा और वॉरियर यानी लड़ाई से वॉर से निकल के बाहर आके आया है तो वो उस चीज को एंजॉय करते थे और सेलिब्रेट करते थे तो दादी भी उसी तरह होम कमिंग ऑफ सेलिब्रेट कर रही थी खुशवंत सिंह का कि मेरा बेटा मेरा पोता पांच साल के बाद आया है तो वो ड्रम लेकर मोहल्ले की लेडीज को इकट्ठा करके वो ड्रम बजा के एंजॉय कर रही थी और सेलिब्रेट कर रही थी अपनी खुशी को वी हैड टू पर्जुएड हर टू स्टॉप पर्जुएड हर यानी हम लोग हमारी दादी को पर्जुएट कर रहे थे हमें बहुत मना रहे थे और कंटिन्यूसली उनसे हम कह रहे थे कि आप इस चीज़ को मत करो क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है आप थक जाओगे बहुत घंटों से बहुत आवर्स से आप कंटिन्यूसली इंजॉय कर रहे हो और अपने अपनी अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेन कर रहे हो थका रहे हो वी हैव टू पोजुएट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स ओवर डूइंग ऑफ समथिंग दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे और खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि ये मेरी पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं दादी को देख रहा था कि वो प्रेयर नहीं कर रही हैं इंस्टेड वो ड्रम बजा के एंजॉय कर रही हैं और प्रेयर ओमिट कर दी उन्होंने मिस कर दी ऐसा लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा उन्होंने सो so, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकिन इल बस जिस बात का डर था वही चीज़ हुई वो लोग अपनी दादी को पोर्जेट कर रहे थे मना रहे थे कि आराम से ज़्यादा मत करो बहुत देर से आप इन्जॉय कर रहे हो अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेन कर रहे हो पर दादी ने किसी की नहीं सुनी किसी की नहीं मानी और नेक्स्ट डे शी वॉज टेकन इल उनकी तबीयत खराब हो गई इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो डॉक्टर ने बोला हल्का सा फ़ीवर है और चला जाएगा टेंशन लेने की बात नहीं है बट माई ग्रैंड मदर था डिफरेंटली पर मेरी दादी ने ऐसा नहीं सोचा उनके माइंड में आ गया था कि मैं अब ठीक नहीं होंगी क्यों क्योंकि अब मेरा एंड टाइम आ गया है उनको अंदर से ये फीलिंग इंट्यूशन आ गई थी शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर मेरा अंत समय अब पास है शी सेट दैट सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड द प्रेयर शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस तो जैसे ही दादी ने बताया खुशवंत सिंह एंड फैमिली को कि बस अब मेरा ये लास्ट फ्यू आवर्स हैं तो उन्होंने उनको उनसे बात करने की और कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करने की कोशिश करी पर दादी ने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में से बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है क्यों वेस्ट किया है क्योंकि मैंने प्रेयर्स ओमिट कर दिए ने मिस कर दिए क्योंकि कल से मैंने बहुत इन्जॉय किया और अपने लास्ट टाइम में मैं अब एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती अपनी प्रेयर कंप्लीट करना है मुझे और अब बात करने में भी मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना उन्होंने किसी से बात नहीं करी कंटिन्यूअसली सिर्फ अपनी प्रेयर करी क्योंकि उन्होंने मिस कर दी थी कल शाम से प्रेयर वी प्रोटेस्टेड हमने प्रोटेस्ट किया यानी ऑब्जेक्शन बताया कि नहीं हमसे बात करो पर तभी भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी क्योंकि उनको तो प्रेयर ही करनी थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने प्रेयर अपनी मिस कर दी थी

और उनकी डेथ हो गई और जो बीज ऑफ रोजरी थी जो माला थी वो उनके हाथों से जमीन पर गिर गई अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड अ पीसफुल पैलर पैलर मीन्स अनहेल्दी पेल अपियरेंस अजीब सा पीला सा मुंह जो एक डेड बॉडी का हो जाता है वो वैसा उनका फेस हो गया था और इस वक्त उनकी फैमिली को पता चल गया था कि दादी की अब डेथ हो चुकी है फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेडर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हॉर विध अ रेड श्राउड तो उन्होंने उसको उठाया बेड से और कस्टमरी यानी उनके ट्रेडिशन्स के हिसाब से उनका फ्यूनरल प्लान किया ट्रेडिशनल किया लेडर ऑन द ग्राउंड उनको जमीन पर लेटाया एंड कवर्ड हॉर विथ अ रेड श्राउड और रेड कलर का श्राउड यानी रेड कलर का लंबा सा कपड़ा होता है जो एक डेड बॉडी को कवर करने के काम आता है उससे उन्होंने अपनी दादी के डेड बॉडी को कवर किया आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अवर फ्यूनरल अब वो तो घर पर ला के उनको ग्राउंड पर रख दिया था बहुत देर तक उन्होंने मॉर्निंग करी वट इज़ मॉर्निंग यानी शांत बैठे रहे और दुख जताया अपनी ग्रैंड मदर की डेथ का और उनकी फैमिली मेम्बर्स ने भी मोन किया चुपचाप अपनी घर की किसी डेथ मेम्बर की डेथ का उन्होंने शौक मनाया फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया थोड़ी देर दादी को वहीं पे लिटाए रखा क्योंकि अब उनको फ्यूनरल यानी उनकी डेड बॉडी को जब उनको ले जाना था और उनको जलाना था तो उसके कुछ अरेंजमेंट्स करने में वो लोग लग गए इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू स्क्रिमेटेड तो उन्होंने क्या बोला कि शाम के समय हमें क्रूड स्ट्रेचर लगे गए यानी कि एक छोटा सा लकड़ी का फट्टा बोल सकते हो आप या एक छोटा सा छोटा सा एक बेड बोल सकते हो जिसपे उनको लेटाया रखा जिस पर एक डेड बॉडी को लेटाया जाता वो लेकर गए एंड क्रीमेटेड करने के लिए लेके जा रहे थे क्रीमेटेड यानी कि डिस्पोज करने की उनकी बॉडी को यानी जलाने के लिए ले जा रहे थे द सन वॉज सेटिंग और अब सूरज ढल रहा था शाम हो रही थी एंड लिट हर रूम एंड वरान्डा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट तो बोला कि जैसे जैसे शाम हो रही थी तो जो खिड़की है वहाँ से जो सूरज था जो सन की लाइट थी वो थी, वो बहुत तेज बहुत डार्क ब्लेज कलर में उनके रूम में वरांडा से अंदर आ रही थी तो पूरा रूम सनलाइट से ऐसे शाम की जो धूप जो जा रही होती उस वाली लाइट से उनका कमरा पूरा भर गया था ऑल ओवर द वांडा एंड रूम राइट राइट अप टू वेयर शी लेड एंडिफ रैप्त थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर तो जहाँ पर उनको लिटाया गया और वो रेड कलर के श्राउड उस कपड़े में जहाँ पे कवर्ड थी वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ पे आ गई क्योंकि वो शाम के टाइम आती थी क्योंकि दादी उस हाफ एन आवर में उनको ब्रेड कम्स देती थी और वहीं पर वनांडा में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आ गई देर वॉज नो चॉपिंग लेकिन आज बहुत एक अनयूजअल चीज़ थी वैसे जब स्पैरोज आ जाती थी तो बहुत चॉपिंग्स होती थी वो पूरा बेडलैम ऑफ चॉपिंग्स बन जाता था वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चॉपिंग्स वो एरिया बन जाता था इतना नॉइज होता था इतना वहाँ पे के होता था लेकिन आज एक सिंगल स्पैरो चॉप यानी कि अपनी आवाज़ नहीं निकाल रही थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आज दादी ब्रेड क्रम्स खिलाने के लिए नहीं और उनकी डेथ हो गई है वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर सम फॉर देम तो उन्हें उन्हें बहुत बुरा लगा बर्ड्स के लिए कि आज बेचारी सब ऐसे बैठी हुई और दुख मना रही हैं दादी की डेथ का तो उनकी जो मदर है खुशवंत की जो मदर है वो अंदर किचन से जाके कुछ ब्रेड क्रम्स लेकर आई उनके खिलाने के लिए शी ब्रोकट इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम तो उन्होंने भी उसी तरह से तोड़ा पूरा ग्रैंड मदर जैसे तोड़ती थी ब्रेड क्रम्स को और फेंक दिया वहां पे रख दिया वहां पे उनके खाने के लिए द नोटिस ऑफ द ब्रेड एक भी सिंगल स्पैरो ने देखा भी नहीं कि कौन सी ब्रेड क्रम्स पड़ी है खाने की तो बहुत दूर की बात है वेन वी कैरिट माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ द फ्लू क्वाइटली उन्हें लगा कि जैसे ही उन अब फ्यूनरल का टाइम आ गया उन्होंने डेड बॉडी को उठाया और ले जाने लगे कॉप्स को कॉप्स यानी डेड बॉडी को ले जाने लगे उनको फ्यूनरल करने के लिए जलाने के लिए चुपचाप सारी स्पैरो उसके बाद वहाँ से उड़ के चली गई और ब्रेड क्रम्स वहीं के वहीं रह गए उन्होंने टच भी नहीं किए नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेफ्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन और अगली मॉर्निंग जब स्वीपर आया सफाई करने वाला बंदा आया उसने सारे ब्रेड क्रम्स को उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आई होप यू वुड हैव इन्जॉयड दिस चैप्टर और अब आगे इस चैप्टर को हम और एक्सप्लेन करेंगे आपको एक माइंड मैप के थ्रू तो so, जो भी छोटे मोटे सारे डाउट्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे सो so, देखिए पे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जिसके ऑथर कौन है मिस्टर खुशवंत सिंह है और किसके भी किसके बारे में बात हो रही है उनकी ग्रैंड मदर के बारे में बात हो रही है अब ग्रैंड मदर कैसी थी कुड कुड एंड वॉक स्ट्रेट वो हॉबिल करती थी सीधे नहीं चल पाती थी ऑलवेज प्रेयर्ड हमेशा प्रेयर करती थी फैट थी और स्लाइटली वेंड थी उनका रिंकल्ड फेस हुआ करता था अब उनके खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर के बीच में थ्री फेजिज ऑफ फ्रेंडशिप होते थे जो फर्स्ट फेज़ था वो तब था जब वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे कहाँ पे विलेज में उनको वो वेकअप करती थी मॉर्निंग में सुबह स्कूल के लिए मेड हिम रेडी फॉर स्कूल स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल प्रेड इन कोरस वहाँ पे स्पेंड हर टाइम इन रीडिंग बुक्स ये सब वो लोग अपने फेज़ वन में करते थे वॉट डिड दे डू इन फ़ेज़ टू दे वेंट टू द सिटी फेज़ टू में वो क्या करते थे जो नरेटर था वो एक इंग्लिश स्कूल जाने लग गया था बोथ शेड सेम रूम ग्रैंड मदर हेटेड इंग्लिश वर्ड्स एंड साइंस

अब ये बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप इनका यहाँ पे स्नैप हो गया सेकेंड फेज के बाद यहाँ पे थर्ड फेज आता है जो बॉन्ड था दोनों फ्रेंड ग्रैंड मदर और खुशवंत का वो स्नैप हो गया यानी ब्रेक हो गया बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन नरेटर बिगैन टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी और उनको सेपरेट रूम दे दिया गया था फिर क्या किया ग्रैंड मदर ने ग्रैंड मदर एक्सेप्ट और लोनलीनेस क्वाइटली ग्रैंड मदर ने अपनी लोनली लोनलीनेस को एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्या करती थी अब वो बोर होती थी तो शी रिलैक्स इन दफ्टरनून डिट हर प्रेयर्स ग्रैंड मदर डेंट शो एनी इमोशन और कोई इस बात पे उन्होंने इमोशन भी नहीं दिखाया और वरेंडा में बैठी रहती थी और स्पैरोज को फीड करती थी और वो उनका बेस्ट टाइम होता था, था, था शाम में नरेटर गोज अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज अब नरेटर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले जाते हैं तो अब क्या हुआ उन्होंने क्या किया वो उनको रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने आई और उनके फॉरेड पे उन्होंने किस किया अब वापस जब आए तो ग्रैंड मदर अभी भी अलाइव थी और अब उनका एंड का समय आ गया था तो उस दिन क्या हुआ नरेटर जब घर वापस आए पाँच साल बाद she didn't प्रे कलेक्टेड ऑल वीमेन फ्रॉम दी सोसाइटी सैंग सॉन्ग्स ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स her हर एंड वॉज नियर एंड ले पीसफुल इन द बेड उन्होंने सब बताया कि मेरा अब समय आखिरी समय आ गया है और उस दिन और फिर उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में क्या हुआ उस दिन उस दिन जब स्पैरोज शाम में आई उनकी डेथ वाले दिन उन्होंने मोनिंग करी यानी कि उन्होंने शोक जताया गम जताया दादी की डेथ अब स्पैरोज ने मोन कर लिया यानी गम जता लिया दुख जता लिया उसके बाद दे डिड नॉट चर्प उन्होंने एक भी आवाज़ नहीं करी कुछ साउंड नहीं किया दे सैट नियर द डेड बॉडी डेड बॉडी के पास बैठी रही दादी के पास एंड जैसे ही डेड बॉडी जो कॉप्स था ग्रैंड मदर का उसको फ्यूनरल के लिए ले जाया गया बर्न करने के लिए जलाने के लिए ले जाया गया दे साइलेंटली फ्लू अवे और वो चुपचाप वहाँ से फ्लाई होके होकर गई सो चिल्ड्रेन दिस वॉज ऑल अबाउट आर चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रैंड मदर एंड उसके अंदर हमने पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े और एक ही छोटा सा माइंड मैप पढ़ा जिसमें आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएँ अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे हम इस पूरे चैप्टर की समरी पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करेंगे जो एन में है और सारी डिफिकल्ट चीज़ें जो भी चैप्टर से रिलेटेड है सब डिस्कस करेंगे सो so, चिल्ड्रेन स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ एंटिल देन हेलो एवरीबडी आई मनीषा एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेंस तो आज हम कम्प्लीट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक हॉन बिल जो कि था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इस चैप्टर में हमने हमारा पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन और माइंड मैप्स हमने कवर किए थे हमारी फर्स्ट वीडियो में और अब हमारी सेकेंड वीडियो में हम क्या कवर करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी

और ग्रैंड मदर कभी भी यंग एंड प्रिटी नहीं हो सकती थी क्योंकि उनका फेस हमेशा बहुत रिंकल रहता था और ये वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि मेरी ग्रैंड मदर कभी प्रिटी हो सकती हैं कैसी थी वो वो शॉर्ट थी फैट थी स्लाइटली बेंड थी एंड ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट एंड ओल्ड मैन विद अ टर्बन एंड लॉन्ग बियर्ड कवरिंग हिज चेस्ट तो मेंटल पीस के ऊपर घर में उनके ड्राॅइंग रूम में उनके ग्रैंड फादर की पोर्ट्रेट भी हुआ करती थी जो उन्होंने देखी पिक्चर to the author his grandfather didn't seem like a man who could have a wife and children but someone who could have lots of grandchildren his grandmother used to move around the house in spotless white with one hand on resting on her waist and other counting the beads of rosary तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रैंड फ़ादर थे और जो ग्रैंड मदर थी वो लगता ही नहीं था कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं क्योंकि ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया था कि बहुत प्रटी थी और ग्रैंड फादर की जो पिक्चर वो देख रहे थे वो बहुत एक ओल्ड मैन की थी तो ये थॉट उनके लिए बहुत रिवोल्टिंग था बिलीव करना मुश्किल था ऑल्सो जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा क्या थी वो एक हाथ हमेशा अपने वेस्ट पर रखती थी टू तो बैलेंस और स्टूप एंड दूसरे हैंड में हमेशा उनकी बीड्स ऑफ रोजरी रहती थी इनिशियल डेज में जब वो लोग विलेज में थे ऑथर और जो ग्रैंड मदर थे उनका बहुत ही गुड रिलेशनशिप था आपस में और वो उनको सुबह स्कूल के लिए वेकअप करती थी रेडी करती थी स्कूल के लिए और उनकी सारी थिंग्स पैक करके उनको रेडी करके देती थी और वॉक हिम टू स्कूल एवरी डे साथ में वॉक करके उनके साथ स्कूल जाती भी थी ग्रैंड मदर शी यूज टू विजिट द टेम्पल दैट वॉज अटैच्ड टू द स्कूल शी अ तो वो क्या करती थी स्कूल में जब वो जो इसलिए जाती थी क्योंकि एक टेम्पल अटैच था वहाँ हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स और अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स भगवान की किताबें पढ़ती थी दी ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन सैट इन द दरेंांडा बाहर वरांडा में दूसरे बच्चों के साथ बैठ के एल्फाबेट्स और मॉर्निंग के प्रेयर सीखते थे जो उनको वहाँ के प्रीस्ट सिखाते थे दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर किसके साथ स्ट्रे डॉग्स क्योंकि रास्ते में उनको स्ट्रे डॉग्स मिलते थे और ग्रैंड मदर उनके लिए स्टेल बासी रोटियां चपातियां कैरी करती थी उनको खिलाने के लिए पेरेंट्स ऑफ द ऑथर सेटल एंड कॉल फॉर देम अब पेरेंट्स ने उनको सिटी वापस बुलाया क्योंकि रीच द सिटी द रिलेशनशिप ऑफ द ग्रदर टर्न और यहीं से ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के रिलेशनशिप के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया दो दे शेयर द रूम देर बॉन्ड ग्री पार्ट अब सिटी में वो रूम तो शेयर कर रहे थे लेकिन उनका बॉन्ड थोड़ा सा दूर हो गया स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड नो लॉन्गर एक्म्पनी टू स्कूल दादी अब उनके सो अकम्पनी है ना उनके साथ उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी क्योंकि एंड देर वर नो लॉन्गर स्ट्रेट डॉग्स वो रोमड अराउंड देम और स्ट्रेट डॉग्स भी रास्ते में अब नहीं होते थे क्योंकि अब यहाँ सिटी है यहाँ सब सिनारियो चेंज हो गया है शी हाउ एवर यूज टू आस्किंग अबाउट हिस डे उनके दिन के बारे में पूछती थी ग्रैंड मदर कि खुशवंत कैसा रहा आज का दिन स्कूल में क्या पढ़ाया एंड ही हैड एंड वॉट ही हैड लर्न और स्कूल से क्या पढ़ के आए शी डेंट अंडरस्टैंड जो भी वो बताते थे उनको कुछ समझ में नहीं आता था बिकॉज इट वॉज एन अनदर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में होता था और वो कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी समझ नहीं पाती थी कि क्या खुशमंद बता रहे हैं शी डेंट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस दैट वॉज स्टडिंग जो नया सिलेबस वहाँ पढ़ाया जाता था साइंस के बारे में या के प्रिंसिपल के बारे में वो उनको पसंद नहीं आता था क्यों क्योंकि शी थॉट वो ऐसा सोचती थी दैट दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्टर्स भगवान के बारे में और भगवान के ज्ञान के बारे में स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है दिस सॉ लेस ऑफ ईच अदर और अब दोनों एक दूसरे से बातचीत भी थोड़ी कम करते थे क्योंकि खुशवंत अपनी सिटी लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गए एज डेज पास बाय ही ओल्डर अब खुशवंत और बड़े हो गए एंड वेंट टू द यूनिवर्सिटी अब कहाँ चले गए वो यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए अब उनका खुद का रूम हो गया और सेपरेट हो गया उनका रूम उनकी ग्रैंड मदर से और इससे उनका रिलेशनशिप और सावर हो गया सावर या सौर एक ही बात है सौर हो गया या सावर हो गया दैट मीन्स की और दूरियाँ बढ़ गई दोनों के रिलेशनशिप के बीच में शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरी वन हु ग्रैंड मदर ये शी कौन है ग्रैंड मदर उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिए और अपना अकेले रहने लगी चरखा चलातीस हमेशा अपनी रुद्राक्ष की माला पड़ती रहती थी However, she loved feeding sparrows. उनको एक ही चीज बहुत अच्छी लगती थी वो स्पैरो वरांडा में बैठ के डॉन टाइम में यानी शाम में जब सूरज ढलता है उस समय में वो उनको पसंद था ये काम करना ब्रेड्स ब्रेक करती थी वो पीसेस में किसको फीड करने के लिए बर्ड्स को फीड करने के लिए और ये उनका एक डेली रूटीन हो गया था कि हर शाम में हाफ एन आवर बैठ के मुझे ब्रेड क्रम्स खिलाने हैं बर्ड्स को बर्ड्स कहाँ बैठ जाते थे उनके लेग्स पे कोई उनके हेड पे कोई उनके शोल्डर्स पे बैठ जाते थे और वो बहुत इंजॉय करती थी सून द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड अब ऑथर का यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म हो गई अब उनको अब्रॉड यानी कंट्री के बाहर अपनी हायर स्टडीज के लिए जाना है She came, और तो वो उनको रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे ड्रॉप करने आई ऑथर को क्योंकि उनका पोता जा रहा था पढ़ाई के लिए she was not sentimental. कोई दुखी नहीं थी कोई रो नहीं रही थी कंटिन्यूसली अपनी फॉरवर्ड पे किस किया five, after five years, five साल जब खुशवंत वापिस लौटे शी वॉज देर दादी की डेथ नहीं हुई थी क्योंकि उनको ये डाउट था कि मैं पाँच साल के लिए बाहर जा रहा हूँ ग्रैंड मदर होंगी कि नहीं होंगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ओल्ड एज की हैं बट दादी वॉज देर वो जब वापस आए तो थी केम टू पिक हिम मैपो उनको स्टेशन पर पिक करने आई और एग्जैक्टली exactly वैसे ही सेम दिख रही थी जैसे पाँच साल पहले वो दिख रही थी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी शी क्लास्ट उन्होंने टाइटली उसको हक कर दिया होल्ड कर दिया अपने आर्म्स में एंड डिंट से अ वर्ड एक वर्ड भी नहीं बोला और वो अब भी जब आई तो वो वापस जब आए तो उन्होंने देखा कि दादी अभी भी इस पारोस को वैसे ही फीट करी जैसे पाँच साल पहले फीट किया करती थी वन डे शी इन रिसाइड हर प्रेयर्स बट इंस्टिट कलेक्टेड दुमेन ऑफ द नेबरहुड तो एक दिन उन्होंने अपनी प्रेयर्स रिसाइड नहीं करी और अपनी पड़ोसी की पड़ोस की लेडीज को बुलाया घर पर और एक ड्रम बुलवाया और स्टार्टेड सिंगिंग गाने गाने लग गई नेक्स्ट मॉर्निंग में शी वॉज इल सबने उनको मना किया कि इतना अपने आप को ओवर स्ट्रेन मत करो उन्होंने बात नहीं मानी और देन नेक्स्ट मॉर्निंग में उनकी तबीयत खराब हो गई दादी की डॉक्टर ने कहा कि वरी करने की जरूरत नहीं है बट शी वॉज श्योर दादी श्योर थी कि हर एंड वॉज नियर उनको पता चल गया था इंट्यूशन आ गया था कि उनकी अब डेथ होने वाली है शी डेंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम टॉकिंग टू एनी वन उनको किसी से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था फैमिली में और अपने जो लास्ट आवर्स हैं वो अपनी प्रेयर्स रिसाइट करने में अपनी पूजा पाठ करने में ही स्पेंड करना था उनको शी डाइड ऑन हर बॉडी ले ऑन द बेड और बेड पे ही अपनी प्रेयर करते 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 वो वहीं उनकी डेथ हो गई जो बीट ऑफ रोजरी थी उनके हाथ से गिर गई जो लिप्स मूव हो रहे थे प्रेयर में वो लिप्स मूव होना बंद हो गए एज दे प्रिपेर फॉर द फ्यूनरल कौन दे जो उनकी फैमिली थी हु आर दीज दे द फैमिली ऑफ ग्रैंड मदर उनको फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर करना था तो दे सो ऑल द स्पैरोज सिटिंग इन द वांडा तो उन्होंने देखा कि वो स्पैरोज जो हर शाम में दादी के पास आती थी ब्रेड क्रम्स खाने के लिए वो उधर वरान्डा में उधर घर के आंगन में पोर्च में आके वहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं गैदर हो गई हैं एंड मॉर्निंग हर डेथ और उसकी डेथ में चुपचाप बैठी हैं कोई चॉपिंग्स कोई आवाज़ कोई नॉइज कुछ नहीं कर रही हैं बस चुपचाप बैठी हैं और शोक जता रही हैं गम जता रही हैं उनकी ग्रैंड मदर की डेथ का so दिस वॉल्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर द portrait ऑफ अ लेडी अब यहाँ से हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑल्सो उसमें इन क्वेश्चन में सारा चैप्टर भी कवर होता है तो अगर कहीं भी कुछ भी अब भी अगर 0.01 परसेंट का कुछ डाउट है तो वो इन चैप्टर्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा आपका सो फर्स्ट क्वेश्चन इज The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. The first question में वो क्या पूछ रहे हैं कि आप हमें three phases बताइए तीन वो time के time बताइए जब author अपनी दादी को छोड़के country को से बाहर abroad गया था पढ़ने के लिए तो वो कैसे थे तीन वो three phases तीन ताँग ताँग तो थे तीन और उनमें वो उनका relationship कैसा था? The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are as follows. तो साप का जो first phase था वो क्या था द पीरियड ऑफ इज अर्ली चाइल्ड हुड वेर ही यूज़ टू लिव विथ हर इन द विलेज तो वो जब विलेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे ये उनका फर्स्ट फेज था और वहाँ पर वो लोग क्या करते थे इज ग्रैंड मदर यूज़ टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल उठाती थी स्कूल के लिए रेडी करती थी दे बोथ वो टॉक टू स्कूल टेक टू टू वॉक स्कूल टुगेदर एंड कम बैक होम टुगेदर साथ में स्कूल जाते थे एंड साथ में स्कूल वापस आते थे दे हैड गुड गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर और एक दूसरे से उनका बहुत अच्छा

ऑल दो देड सेम रूम अब यहाँ पर इस फेज में अब भी विलेज की तरह यहाँ पर भी सेकेंड फेज में भी सेम रूम शेयर कर रहे हैं दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप नाउ द सॉ लेस ऑफ ईच अदर अब यह इसके बाद से क्या आया सेकेंड फेज के बाद से यहाँ पर टर्निंग फेज आया क्योंकि अब इस फेज़ में ऑथर कहाँ गए अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ने पढ़ाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चले गए क्योंकि अब बड़े हो गए हाई स्कूल ख़त्म हो गए अब कॉलेज जाएंगे पढ़ने ही वॉज गिविन अ रूम ऑफ इज ओन तो फर्स्ट फेज में सेम रूम था सेकेंड फेज में भी दोनों का सेम रूम था और थर्ड फेज में अब सेम रूम दोनों का नहीं है दिस मेड दर फ्रेंडशिप बॉन्ड वीकर एज द कॉमन लिंक बिटवीन दैम द रूम हैज स्नैप दोनों के बीच का कॉमन लिंक क्या था वो रूम क्योंकि कॉमनली दोनों उस एक रूम को शेयर करते थे बट थर्ड फेज में उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और ये जो कॉमन लिंक थी उनकी फ्रेंडशिप की वो स्नैप हो गई यानी ब्रेक हो गई टूट गई she became she became quieter and private and kept the spinning wheel all day long. she would feed the sparrows once a day and this was the only thing that made her happy now. so she accepted her seclusion with resignation. आप यहाँ पे lines add भी कर सकते हैं, because this is an important expression from the chapter. यानी कि उन्होंने अपना अकेलेपन को accept करा, किसी से कोई objection नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं करी कि आपने room क्यों अलग कर दिया और पूरा दिन कैसे स्पेंड करती थी अपना स्पिनिंग व्हील में स्पेंड करती थी और अपनी प्रेयर्स रिसाइड करती रहती थी ऑल्सो क्या करती थी अपने स्पैरोस को शाम में हाफ एन आवर ब्रेड क्रम स्पीड करती थी सेकेंड क्वेश्चन थ्री रीजन ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब तीन हमको रीजन बताने थे बताने हैं कि ऑथर की ग्रैंड मदर डिस्टर्ब क्यों गई क्यों परेशान हो गई वेन शी स्टार्ट गोइंग टू द वैन ही टू दिटी स्कूल तो जब खुशवंत सिटी वाले इंग्लिश मीडियम जाने लगे तो ग्रैंड मदर डिस्टर्ब क्यों हुई तो वैन दूस टू लिव इन द विलेज विद हर दे बोथ हैड अ गुड रिलेशनशिप टू वेक गॉड हेम अप रेडी एंड वु हिम टूल चेंज वैन देव टू दिटी द ग्रदर वॉज डिस्टर्ब फॉर द फॉलोइंग रीजन तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब विलेज में रहते थे तो ग्रैंड मदर उनको सुबह स्कूल के लिए उठाती थी स्कूल ड्रॉप करने जाती थी ब्रेकफास्ट देती थी और उनके साथ उनके साथ स्कूल जाती थी और उनके साथ वहीं बैठी भी रहती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे लेकिन वो डिस्टर्ब हो गई क्यों क्योंकि उनकी लाइफ सिटी में जब शिफ्ट हुई तो ये फॉलोइंग रीजन थे कि वो डिस्टर्ब हुई तो वट इज़ द फर्स्ट रीज़न शी नो लॉन्गर कुड हेल्प हिम इन लेसन अब उनकी वो पढ़ाई में और लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था और वो अब समझ में नहीं आ रहा था उनको सो दिस बिकेम अ बैरियर फॉर हर बैरियर यानी कि ये एक ऑप्सिकल एक रुकावट बन गया दोनों के बीच में क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का इशू था इंग्लिश एंड हिंदी क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते थे और वहाँ सिटी में इंग्लिश मीडियम जाते थे और विलेज में हिंदी मीडियम में सेकेंड रीज़न क्या है देर वर नो टीचिंग्स अबाउट गॉड एंड दी स्क्रिप्चर्स जब उन्हें पता चला ग्रैंड मदर को कि स्कूल में सिर्फ आके मेरी प्रिंसिपल साइंस और अदर सब्जेक्ट्स उनको पढ़ा रहे हैं और गॉड और रिलीजियस चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई उन्हें लगता था कि भगवान के बारे में क्यों पढ़ा नहीं रहे क्योंकि वो खुद एक रिलीजियस लेडी थी थर्ड रीजन शी डेंट लाइक हिम टेकिंग द म्यूजिक लेसन अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वॉज ओनली फॉर द बेगर्स एंड हालत सो वो ये बोल रहे हैं कि म्यूजिक के बारे में जब खुशवंत ने बताया तो वो फिर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई डिस्ट्रेस हो गई स्ट्रेस में आ गई क्योंकि उनको लगता था कि जो म्यूजिक है वो सिर्फ जेंटल फोक्स के लिए नहीं है वो सिर्फ बेगर्स और लोअर क्लास लोगों के लिए है और जो जेंटल फोक्स यानी अच्छे लोग अच्छी ग्रेड के जो लोग होते वो ये नाच गाना म्यूजिक ये सब नहीं करते नाउ द थर्ड क्वेश्चन ओवर here: थ्री वेज इन which the ग्रैंड मदर spent हर डेज आफ्टर ही grew up. अब आपको वो थ्री वेज बताने जिसमें ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो आ, अपने डेज कैसे स्पेंड करती थी यानी कि अब ऑथर बड़ा हो गया ग्रू अप यानी बड़ा हो गया तो अब उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आने लग गया तो अब वो कैसे अपने फॉल्स टाइम अपने फ्री टाइम को स्पेंड करती थी तो हिज ग्रैंड मदर चेंज द लॉट बहुत उन्होंने अपने आप को चेंज किया सिंस ही ग्रू अप शी वुड स्पेंड हर इंटायर डे एट द स्पिनिंग व्हील चैंटिंग हर प्रेयर्स एंड स्पिनिंग स्पैरोज

एक ऑड एक अजीब सा तरीका वो क्या था जिसमें ऑथर की ग्रैंड मदर वैसा बिहेव करने लगी जस्ट बिफोर शी डाइड मरने से थोड़े टाइम पहले वो एक ऑड यानी एक बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी और क्यों करने लगी तो वो क्यों था लेट्स सी शी प्रे द इवनिंग बिफोर डाइंग उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी प्रेयर ओमिट यानी कि स्किप या मिस नहीं करी है अपनी डेथ के एक दिन पहले से इवनिंग में उन्होंने क्या कर दी अपनी प्रेयर को ओमिट कर दिया यानी मिस कर दिया शी कलेक्टेड दुमन फ्रॉम द नेबरहुड एंड स्टार्टेड सिंगिंग द होम कमिंग ऑफ दर्स विद्प ऑफ्रम उन्होंने अपने पूरे क्या किया अपने नेबरहुड की वेमेन को बुलाया और वो ड्रम ड्रम जो टूटी हुई स्किन का और जो पूरा वर्न आउट खराब ड्रम था उसको बजा बजा के गाना गाने लगी उनके साथ विमेन के साथ और इंजॉय करने लगी और होमकमिंग वॉरियर्स यानी अपने पोते के आने की खुशी मनाने लगी द नेक्स्ट मॉर्निंग वेन शी फेल इल क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट कर दिया था ओवर स्ट्रेन कर दिया था अगली सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई एंड शी फेल इल शी सेड हर एंड दैट हर एंड वॉज नियर और डॉक्टर्स ने तो बोला वो ठीक हो जाएंगी बट उनको पता था कि उनका एंड नियर है अब उनका आखिरी समय आ गया है शी स्टार्टड प्रेइंग पीसफुली वाइल लेइंगर बेड तो उन्होंने ये बोला कि मैं अब अपने आखिरी के समय में किसी से बात नहीं करूँगी और सिर्फ पीसफुली अपने बेड पर बैठूंगी और लेटूँगी और रेस्ट करती है और अपनी प्रेयर करती रहूँगी क्योंकि मैंने एक दिन पहले अपनी प्रेयर मिस कर दी और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया शी रिफ्यूज़ टू टॉक टू एनी वन और किसी से मैं उनको बात भी नहीं करनी थी ड्यूरिंग हर लास्ट आवर्स जबकि लास्ट आवर्स में तो लोग अपने घर वालों से अपने अपनी फैमिली के साथ बात करते हैं उनके साथ जितना हो सकता है टाइम स्पेंड करते बट उन्होंने बोला नहीं मैंने एक दिन पूरा अपना वेस्ट कर दिया, कर दिया और दी अपनी प्रेयर्स तो आज मैं सिर्फ प्रेयर करूंगी एंड किसी से बात नहीं करूंगी डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज फीलिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में उनका जो रिलेशनशिप था वो चेंज तो हो रहा था डेफिनेटली बट एक दूसरे के लिए जो उनकी फीलिंग्स थी भाई गैप बड़ा लेकिन एक दूसरे की जो फीलिंग्स थी क्या वो चेंज हुई इन दी अर्ली डेज दे बोर्ड शेयर ऑफ गुड बॉन्ड शुरुआती दिनों में दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे वो उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी स्कूल तक कंपनी करके जाती थी वापस घर भी आती थी एंड उनको उनकी पढ़ाई में लेसन्स में हेल्प करती थी उनको प्रेयर्स और आ, सिंगिंग्स जो मोनोटनस सिंगिंग्स थी बोरिंग मॉर्निंग प्रेयर्स थी वो सब भी सुनाती थी अब जब वो सिटी में जाके मूव हो गए वहाँ जाके दोनों सेटल हो गए पेरेंट्स के पास उनका जो रिलेशनशिप था वो स्ट्रेन हो गया यानी धीरे धीरे कम हो गया ही स्टार्टेड गोइंग टू द इंग्लिश मीडियम क्योंकि अब ऑथर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे और अब वो उनके साथ स्कूल तक ए कंपनी यानी वापस साथ में वॉक करते जा भी नहीं रही है एंड उनको उनके लेसन में हेल्प नहीं कर रही क्योंकि उनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ पर शी डेंट लाइक द न्यू स्कूल और उनको उनको, उनको न्यू स्कूल भी नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पे गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ा रहे थे वो सिर्फ क्या पढ़ा रहे थे वो साइंस के बारे में और आके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा रहे थे और बाद में जब उनको पता चला कि म्यूज़िक लेसन भी पढ़ा रहे थे तो वो और डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उनको लगता था कि जो म्यूजिक लेसनस थे वो सिर्फ वो डिसअप्रूव करा उन्होंने म्यूजिक लेसन क्योंकि उन्हें लगा कि जो म्यूज़िक है वो सिर्फ बेगर्स एंड हालत्स के लिए है और जेंटल फोक्स यानी अच्छे लोगों के लिए नहीं है

उनका रिलेशनशिप वीक हो गया शी वुड स्पिन द द व्हील होल डे पूरा दिन अपना सिर्फ स्पिन करती रहती थी व्हील और अपनी प्रेस चैंड करती रहती थी यानी बोलती रहती थी और उन्होंने अपना सेक्लूजन एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया किया अपने अकेलेपन को बिना बिना रेजिग्नेशन किसी ऑब्जेक्शन के नो अब ये नो किया है क्योंकि पिछली स्लाइड में क्वेश्चन था डिट द फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज क्या ऑथर और उनके ग्रैंड मदर के जो फीलिंग्स थे एक दूसरे के लिए चेंज हुई तो नो no. उनके फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हुई Their feelings for it didn't change, but during the time distance developed between them. डिस्टेंस बढ़ गया था पर एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स थी वो चेंज नहीं हुई क्यों नहीं हुई क्योंकि ग्रैंड मदर इतनी ओल्ड थी उन्होंने फिर भी पाँच साल अपने आप को वेट करा उन्होंने रेजिस्ट किया अपने पोते के वापस आने का वेट किया और उसी शाम उन्होंने अपनी प्रेयर्स भी मिस करी सोचो दूर रहीं डिस्टेंस तो था लेकिन उनको इतनी खुशी थी कि उन्होंने होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स को था जो था उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया अपने पोते के आने की खुशी सेलिब्रेट करी पड़ोस की लेडीज़ को बुलाया ढोल बजाया इन्जॉय किया अपनी प्रेयर्स तक मिस करी जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं करी थी एंड देन उसके बाद अगली मॉर्निंग में उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी डेथ हो गई तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ रोक के रखा था अपने पोते की शक्ल देखने के लिए उससे मिलने के लिए क्योंकि उनका हार्ट अभी भी अपने पोते से कनेक्टेड वुड यूथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन इन अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इफ ये गिव इंस्टेंसिस यानी आप चैप्टर में से बताइए कि क्या दिखाती हैं आपको वो सब चीजें कि ग्रैंड मदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी तो मुझे लगता है कि येस ग्रैंड मदर जो थी वो ये डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर थी एज अ पर्सन और बहुत सारे इंस्टेंसेज हमें चैप्टर में बताए गए हैं कि वो एक स्ट्रांग कैरेक्टर थी पहला शी हैड अर ओन था अबाउट स्कूल्स उनके अपने खुद के स्टैंडर्ड्स और थाट्स होते थे कि स्कूल्स में और स्कूल में टीचिंग्स कैसी होनी चाहिए थी उनको स्कूल से मतलब नहीं उनको उनके अपने खुद के थॉट्स से ये सब तो पढ़ाना चाहिए गॉड के बारे में तो पढ़ाएं शी कंसिडर्ड लर्निंग स्क्रिप्चर्स अ बेटर थिंग दैन स्टडिंग साइंस और इंग्लिश उनको ये सब भगवान से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना ज़्यादा बेटर लगती थी शी डेंट लाइक म्यूजिक उनको म्यूज़िक नहीं पसंद था पहली चीज़ क्योंकि म्यूजिक उनके लिए लो लेवल पीपल के लिए माना जाता था वैन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी अब जब ऑथर यूनिवर्सिटी चले गए तो उन्होंने अपना सक्लूजन अपने अकेलेपन को क्या किया एक्सेप्ट किया रोना धोना नहीं किया अपने आप को इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होने दिया कि मेरा पोता अब रूम अलग हो गया या ब्रॉड पढ़ने चले गया तो मैं रोऊँ अपने आप को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना के रखा उन्होंने सिर्फ क्या किया अपना जो अकेलेपन का टाइम था खुद स्पेंड करना करा कैसे बाय स्पिनिंग द व्हील्स बाय चांटिंग सम प्रेज बाय टेलिंग द बीट एंड फीड द ब्रेड क्रम्स सुधर स्पैरोज स्पैरस को खाना वगैरह खिला के अपने टाइम को स्पेंड करती थी फोर्थ पॉइंट हमें पता चलता है कि वैन द वैन शी सैंग द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स फॉर द लास्ट अवर्स एन डेंट स्टॉप इवन वेन और फैमिली फ्राइडम मिलियन टाइम्स उनकी फैमिली ने मिलियन टाइम्स उनको रोका कि अपने आपको ओवर स्ट्रेन और एग्जॉस्ट मत करिए ग्रैंड मदर क्योंकि आपकी तबियत ख़राब हो जाएगी लेकिन फिर भी नहीं वो कंटिन्यूअस्ली एन्जॉय करती रही डांस किया उन्होंने वो डायलापिटेडेड ड्रम को थम्प करती रही बजाती रहीं और फिर भी कितना सबके पर्जुएट करने पर भी मानी नहीं लास्ट पॉइंट ड्यूरिंग हर लास्ट टाइम अपने अंतिम समय में अपने एंड टाइम में शी डेंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी टाइम उनको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना था इतनी इमोशनली डिसबैलेंस नहीं थी कि नहीं नहीं मैं तो अपनी फैमिली से बात करूँ रो हूँ कि अब मैं मरने वाली हूँ कुछ नहीं उन्होंने बोला मैंने अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट कर लिया अपनी मैंने आ, जो गॉड से रिलेटेड अपनी चैंटिंग्स और प्रेयर्स हैं वो सब कुछ नहीं करी तो मुझे अब आई डोंट डोंनी वन टू ले साइलेंटली ऑन अ एंड शी लेटली तो उन्होंने किसी से बात करने को रिफ्यूज़ किया और बोला कि मैं सिर्फ बेड पर लेटूँगी और मैं अपना प्रेयर ही करूँगी

मदर टंग जो उनकी मदर टंग थी जो उनकी मातृभाषा थी उसमें वो दोनों आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्स करते थे या बात करते थे एज द ऑथर बिलोंग्स टू पंजाब स्टेट ऑथर कहाँ के थे पंजाब स्टेट से बिलोंग करते थे दे वो टॉक इन पंजाबी लैंग्वेज तो वो लोग पंजाबी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते थे येस yes? सो चिल्ड्रेन दिस वॉज ऑल अबाउट आर फर्स्ट चैप्टर अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जिसमें हमने सब कुछ कवर किया है एंड इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय एंड थैंक यू हेलो एवरीबडी आई मनीषा एंड वेलकम टू माई ब्रेन्स एंड आईम योर इंग्लिश ट्यूटर वो हेयर सो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे आज हम हमारी बुक हॉनबिल का हॉनबिल की फर्स्ट पोम स्टार्ट करेंगे विच इज अ फोटोग्राफ नाउ ये फोटोग्राफ क्या है किसकी फ़ोटोग्राफ है किसके बारे में इसमें हम बात करेंगे इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे उससे पहले ये जो पूरी पोम है इसकी पोएट्स कौन है ये पोम लिखी किसने हम उनके बारे में पढ़ेंगे अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है पोएट्स या पोएट के बारे में जानना ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एक लिंक बनाता है हमारा और पोम के बीच में जब हमको थोड़ा सा हम ऑथर से या पोइट से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं ओके okay? सो so, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है शोर्लिट वोल्सन की पिक्चर ये वो है जिन्होंने ये पोम लिखी है अ फोटोग्राफ शोर्ट वोल्सन इज एन इंग्लिश पोइट्रिस्ट शी वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी में नाइनटीन ट्वेंटी फोर एंड ऑन थेम्स इंग्लैंड हाउएवर शी हैज स्पेंड मोस्ट ऑफ़ अवर लाइफ इन साम तो ये कौन है ये एक इंग्लिश पोइट्रिस्ट है इन्होंने बहुत सारी इंग्लिश पोम्स लिखी हुई हैं और ये ट्वेंटी में नाइनटीन ट्वेंटी को इंग्लैंड में बॉर्न हुई हैं शी हैज़ स्पेंड मोस्ट ऑफ अर लाइफ इन सोमासेट सोमासट अगेन इज़ अ प्लेस इन इंग्लैंड चोलसन हैज़ वर्कड एज अ टीचर फॉर क्रिएटिव राइटिंग फॉर अडल्ट तो क्रिएटिव राइटर भी रह चुकी हैं और काफ़ी सारे बच्चों को ये पढ़ा चुकी हैं बिटवीन नाइनटीन सिक्सटी सेवन एंड नाइनटीन सेवेंटी शी वॉज द फीचर्स एडिटर ऑफ जर्नल जर्नल टीचर तो नाइनटीन सेवेंटीज़ में भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है और टीचर के तौर पर इन्होंने काफ़ी सारे जर्नल्स भी बनाए हैं

कि इन्होंने ये पोम लिखी है इन दिस पोम शी रिकॉल्स हर मदर एंड हर नेम एंड हर मेमोरीज वाई लुकिंग एट अ चाइल्ड हुड फोटोग्राफ वैन हर मदर वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड और सो तो इस पिक इस पोम में वो क्या बता रही हैं वो अपनी मदर के एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बता रही हैं जो वो देखती हैं और बताती हैं कि इसमें मेरी मदर हैं और कैसे वो स्माइल कर रही हैं और वो सारी मेमोरीज उस फोटोग्राफ से रिलेटेड पूरी रिकॉल कर रही हैं याद कर रही हैं और जो उस फोटोग्राफ में उनकी मम्मी की एज कितनी थी ट्वेल्व ईयर्स उसकी मॉम ट्वेल्व ईयर्स की थी शी हैज़ बीन डिसीज ट्वेल्व ईयर्स अगो एंड शी के नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स डेथ डिसीज यानी कि डेथ आज बारह साल हो गए हैं उनकी मम्मी की डेथ हो गई है एंड शी के नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ अपनी ग्रीफ यानि अपनी सैडनेस और अपना दुख अपना पेन वो नहीं एक्सप्लेन कर सकती हैं अपनी मदर के लॉस से अपनी मॉम के जाने के बाद वो ये लॉस अपना नहीं बयां कर पा रही हैं बता नहीं पा रही हैं ना ट्वेल्व यहाँ पर भी आ रहा है एंड ट्वेल्व यहाँ पर भी आ रहा है ये दोनों ट्वेल्व अलग है इस बात का मतलब ये है कि जो पिक्चर शर्लेट टुल्सन अपनी मॉम की देख रही हैं उसमें वो ट्वेल्व ईयर्स की हैं और आज बारह साल हो गए हैं उनकी डेथ को भी सो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट 12 साल की वो लड़की पिक्चर में है जो कि शर्लेट उल्सन की मदर हैं और उनकी डेथ के 12 साल बाद आज वो फोटो देख रही तो आज बारह साल उनकी डेथ को भी हो गए हैं तो बोथ द ट्वेल्थ एक्सप्लेन समथिंग डिफरेंट अब ये वो फोटोग्राफ है ये वो पिक्चर है जिसके बारे में शॉलेट टूल्सन बात कर रही हैं जिसमें उनकी मॉम है ये शॉलेट टूल्सन की मॉम है और ये उनकी टू कजें हैं बेटी एंड डॉली ये बेटी है और ये डॉली है अब बेटी और डॉली से एज में और हाइट में इनकी मॉम ओल्डर हैं यानी बड़ी हैं और इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है एक बीच सीन दिख रहा है ये उनकी मॉम एक बीच पे हॉलिडे इन्जॉय करने गई थी हॉलिडे पर गई थी अपनी दो कजेंस बेटी एंड डॉली के साथ और हाथ में हाथ पकड़ी हुई हैं तीनों और पिक्चर क्लिक कर रही हैं और तीनों बहुत स्माइल कर रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं और क्यों गई थी बीच में पैडलिंग के लिए पैडलिंग यानी जब आप नंगे पैर बेयर फीट बीच पे मूव करते हो वॉक करते हो और आप एंजॉय करते हो और आपके पूरे पैरों पे पूरा वाटर आता है सी का वेव्स लगती हैं आपके पैरों पे आके तो वो पैडलिंग होता है आप उसको एंजॉय करते हो तो उसकी मॉम पैडलिंग करने इस बीच पे गई थी और ये जो फोटोग्राफ है इसकी जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये कार्डबोर्ड की है अब कार्डबोर्ड क्यों यहाँ पे बताया गया है कि कार्डबोर्ड की क्योंकि आज के ज़माने में आज के डेट में जितने भी हम पिक्चर्स देखते हैं उनकी जो फ्रेम होता है वो या तो ग्लास फ्रेम्स होते हैं या वुडन फ्रेम्स होते हैं बट ये इतनी पुरानी बात है कि तब ग्लास और फ्रेम्स नहीं होते थे इंस्टेड ऑफ़ दैट देर देयर यूज टू बी कार्डबोर्ड फ्रेम्स इन द पिक्चर्स तो ये कार्डबोर्ड बता रहा है कि ये उस टाइम की उस जमाने की पिक्चर है इसीलिए कार्डबोर्ड वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है ओके okay? नॉ लेट्स बिगिन विद द पोम एक एक लाइन करके एक वर्ड करके हम पूरी पोम को आप एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग ये जो कार्डबोर्ड ये जो पिक्चर हमने अभी अभी देखी ये कार्डबोर्ड मुझे बताता है कि ये एक पिक्चर है वैन टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग ये मेरी मॉम के साथ जो दो गर्ल कजन्स हैं बेटी और डॉली दोनों पैडलिंग के लिए यानी बीच पे बैर फुट बिना फुटवेयरस के वॉक करने और इन्जॉय करने गई थी ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स ईच वन बेटी भी और डॉली भी मेरे मदर के हैंड्स होल्ड करी हुई हैं इस पिक्चर में यानी पकड़ी हुई हैं एंड शी द बिग गर्ल समल्व ईयर्स और सो शी यानी पोएट की मॉम पोएट की मदर ये जो है ये बिग गर्ल है यानी दोनों कजन से एज में और हाइट में बड़ी हैं और कितने ईयर्स की है ये जब पिक्चर क्लिक करी गई है वो ट्वेल्व ईयर्स की है

पोज करो उनको बोला कि आप लोग पिक्चर के लिए पोज करो तो स्टिल यानी बिल्कुल एक पोज में वो लोग खड़ी हो गई एंड टू स्माइल थ्रू देयर हेयर क्योंकि वो बीच का बीच का आ, बीच की बीच था हाँ वो जगह एंड मे बी इट वुड हैव बीन अ विंडी डे बहुत हवा चल रही होगी बीच पे तो वो तीनों स्माइल कर रही थी और इन्जॉय रही थी और जो हवा चल रही थी बीच पे वो उनके हेयर है, हेयर उनके उस वजह से उनके फेस पे आ रहे थे तो जो पिक्चर आई है वो ऐसे आई है कि तीनों एक दूसरे का हैंड होल्ड करी हुई है फेस पे स्माइल है उनके क्योंकि वो बहुत एंजॉय कर रही है अपने बीच वेकेशन को और क्योंकि हवा चल रही है बीच पे तो उनके जो हेयर है वो उनके फेस पे आए हुए हैं तो इस तरीके से उनकी पिक्चर आई है अ स्वीट फेस वो पिक्चर में उनकी मॉम का फेस कैसा है बहुत ही स्वीट फेस है किन का माई दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न और ये पिक्चर कब की है जब मैं बॉर्न नहीं हुई थी मैं कौन शर्टन ये तब की पिक्चर है जब मेरी मम्मी ट्वेल्वर्स की थी छोटी बच्ची थी बीच हॉलीडे पे अपनी कज़न्स और अंकल के साथ गई थी और ये तब की पिक्चर है जब मैं शर्लिट टूल्सन बॉर्न भी नहीं हुई थी एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस और सी जो है बीच पे सी होता है विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस ये जो पिक्चर में मैं सी देख रही हूँ मैं कौन शॉर्ट टुल्सन जो पिक्चर में सी देख रही हूँ ये आज भी मैं सी देखती हूँ ऐसा तो ये ऐसा ही दिखता है ऐसा लगता है बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ है ऑब्वियसली ये जो वाटर बॉडीज होते हैं माउंटेन्स होते हैं री रिवर्स होती हैं सीज होती हैं ये सालों साल एक जैसी दिखती है आप कितने साल भी बाद भी देखोगे तो सी आपको वैसा का वैसा दिखेगा कोई चेंज नहीं दिखेगा सी में तो यही बात शॉर्ट वुलसन भी कह रही हैं कि जो सी मैं पहले देख रही थी और जो अब देख रही हूँ इट अपियर्स टू चेंज लेस यानी ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा वॉश्ड देर टेरिबली ट्रांजियंट फीट अब इस लाइन को ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं अभी जो सी जो आज भी मैं देखती हूँ चेंज नहीं हुआ है उन्होंने क्या किया उनके टेरिबली ट्रांजियंट फीट को वॉश किया फीट यानी क्योंकि वो नंगे पैर बिना बैर फुटवेयर के पैडलिंग करने गई थी बीच पे तो जो वेस्ट जा रही थी उनके फीट को उनकी फीट को क्या कर रही थी वॉश कर रही थी ट्रांजियंट फीट ट्रांजिएंट का मतलब है शॉर्ट टर्म या टेम्प्रेरी या कोई चीज़ जो पर्मानेंट नहीं होती है तो फीट जो है जो पैर होते हैं इंसान के ये पर्मानेंट नहीं है यानी कि ट्रांजिएंट है यानी कि आज एक छोटे बच्चे के अगर आप फीट पैर देखेंगे तो उसके पैर अलग दिखेंगे और फाइव इयर्स बाद आप जब देखेंगे तो उनके पैरों का साइज़ बढ़ जाएगा स्किन ऊपर से थोड़ी अलग दिखने लगेगी नेल्स का शेप अलग हो जाएगा वही पैर आप एक फिफ्टी ईयर के पर्सन का देखोगे तो पैर डिफरेंट दिखने लगेगा और एक पर्सन जो सेवेंटी टू एट्टी ईयर्स के बीच में है यानी कि जो बिल्कुल ओल्ड है उनका पैर आपको अलग दिखेगा उनकी स्किन बिल्कुल लूज हो चुकी होगी पैरों की और क्या होगा बिल्कुल रिंकल्स और श्रिंक हो जाएगी उनकी स्किन तो जो ये फीट हैं वो ट्रांजियंट है यानी कि चेंजेबल है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है जो ह्यूमन नेचर होता है जो ह्यूमन के फेस और जो बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स होते हैं ये चेंजेबल है लेकिन क्या चेंजेबल नहीं है क्या चेंज नहीं हुआ है वो है सी तो पोएट यहाँ पे सी को और यहाँ पे फीट को कंपेयर कर रहे हैं कि जो मैं फ़ोटो में अपनी मम्मी का अपनी मॉम का जो पिक्चर देख रही हूँ उसमें जो सी है वो पिक्चर में भी ऐसा है और आज की डेट में भी जो सी देख रही हूँ वो चेंज नहीं हुआ है ये इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ वैसे का वैसे है बट जो फीट हैं जो पैर हैं वो ट्रांजिएंट है ये तब मेरी माँ के ऐसे थे और बाद में जब मेरी मम्मी बड़ी हुई मैंने देखा तो उनके पैर तब अलग थे तो फीट ट्रांजिएंट थे यानी कि क्या थे टेम्परेरी थे चेंज हुए यानी कि जो चीज़ परमानेंट नहीं थी टेरेबली इसीलिए यूज़ किया कि यानी बुरी तरीके से ये एक फ्रेज़ उन्होंने यहाँ पे जॉइन कर दिया ट्रांजिएंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्यों किया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जब हम इस पोम के पोइट्रिक डिवाइसेस या एलिट्ररी डिवाइसेस कवर करेंगे आगे पढ़ते हैं पोम सम्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर अब उनकी मॉम जब ट्वेल्व ईयर्स की थी तब वो गई थी और उन्होंने पिक्चर क्लिक कराई थी अपने अंकल से कुछ ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर कुछ बीस तीस साल बाद शीड लाफ एट द स्नैप शॉट वॉट इज अ स्नैपशॉट स्नैपशॉट इज अ फोटोग्राफ तो वो बता रही हैं जब ये पिक्चर लेने के ट्वेंटी थर्टी ईयर्स बीत गए मैं भी बॉर्न हो गई तो मेरी मम्मी इस पिक्चर को देख के लाफ करती थी बहुत हंसती थी क्यों हंसती थी क्योंकि उनकी चाइल्डहुड पिक्चर थी वो देख रही थी कि मैं अपनी कजिन्स के साथ गई थी कैसे हमने उस टाइम एंजॉय किया था तो शी वुड लाफ वो हंस रही थी इस स्नैपशॉट को देख के और क्या बोल रही थी सी बेटी एंड डॉली शीट हाउ दे ड्रेस फॉर द बीच तो वो क्या बोल रही थी कि देखो बेटी और डॉली को देखो कैसे हम लोग गए थे बीच में कैसे हम लोग एन्जॉय कर रहे थे कैसे अंकल ने हमारी पिक्चर क्लिक करी थी तो जब वो ट्वेंटी थर्टी इयर्स बाद पिक्चर देख रही थी तो वो बहुत हैप्पी हो रही थी अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को बहुत याद कर रही थी अपने बचपन के दिनों को बहुत याद कर रही थी कजें के साथ और क्या कह रही थी लुक दे देस फॉर द बीच बीच कि देखो उन्होंने हमें बीच के लिए कैसे रेडी किया है अब ये दे कौन है दे है पेरेंट्स किसके पेरेंट्स मॉम के पेरेंट्स जो पोएटिस हैं शॉलेट उल्सन की मॉम उनके पेरेंट्स ने उनको रेडी किया था कि जाओ बीच हॉलीडे पे आप एंजॉय करो वेकेशन के लिए जाओ ये yes. तो वो बता रही कि, देखो हमें कैसा ड्रेस किया था हम बोलते नहीं अपनी पिक्चर देख के कि अरे देखो तो मैंने क्या पहना है अरे कैसी लग रही थी मेरे बाल कैसे थे तो एक्जैक्टली exactly जो पोएटेस की जो मॉम है वो भी यही बता रही थी हंसते हुए कि देखो मैंने क्या पहना है देखो बेटी ने देखो डॉली ने क्या पहना है कैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें ड्रेसअप किया था कि जाओ एंड बीच हॉलीडे पे एंजॉय करो द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट हर मतलब मोम का वो बोल रही है कि जो मेरी मोम सी हॉलीडे पर गई ये बीच पर इन्जॉय करने गईं ये उनका पास्ट था ये उनका चाइल्ड हुड उनका बचपने का टाइम था और ये उनकी बेस्ट या फेवरेट पास्ट मेमोरी थी माइंड अब वो अपनी बात कर रही हैं इज़ हर लाफ्टर और मेरी पास्ट और मेरी बेस्ट मेमोरी क्या है मेरी माँ का लाफ्टर क्योंकि जब मेरी माँ मुझे ये पिक्चर दिखानी थी मेरी मोम मम्मा मुझे ये पिक्चर दिखा रही थी और बता रही थी कि मैं कैसे इन्जॉय कर रही थी देखो कैसे मुझे और बेटी और डॉली को पेरेंट्स ने मैं ड्रेसअप किया था तो वो बहुत लाफ कर रही थी आज की डेट में मेरी मॉम इस वर्ल्ड में नहीं है इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो मेरे लिए जो मेरी पास्ट मेमरी है जो फेवरेट मेमोरी है वो मेरी मॉम की वो लाफ्टर है जब वो पिक्चर देख के मुझे बता रही थी तो यहाँ पे दो चीज़ों का पास्ट एक्सपीरियंस बताया गया है एक मॉम का एक शर्ली का दोनों के बारे में दोनों का कुछ एक पास्ट एक्सपीरियंस है मॉम का पास्ट क्या है उनका चाइल्डहुड उनका चाइल्डहुड वो अपने चाइल्डहुड को बहुत याद करती थी अपने पास्ट को कि मैं कैसे छोटी थी कैसे इन्जॉय करती थी कैसे बैठी एंड डॉली के साथ हम लोग बीच वेकेशन पे गए थे लेकिन जो शोर्ले है जो जो हमारी पोइट्रीस है उनका बेस्ट पास्ट क्या है अपनी मॉम का मॉम की लाफ्टर उनकी माँ का उनकी माँ की हसी अंडरस्टुड बोथ राय विद द लेबर ईज ऑफ लॉज अब राय का मीनिंग क्या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका आता है राय मीन्स अंडर वेंट अ चेंज जब कोई चीज किसी कोई चेंज के थ्रू पास होती है तो हम उसे कहते हैं रात राय बोथ कौन मोम एंड शोर् दोनों तो दोनों एक चेंज के थ्रू पास होके गई क्या चेंज था मॉम का पास था चाइल्ड हुड का पास था मॉम का लाफ्टर दोनों का ये बेस्ट पास्ट मेमोरी थी और दोनों इस चेंज को अंडरवेंट किया विद द लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस लेबर्ड मतलब जो चीज़ बहुत एफर्ट से मुश्किल से मेहनत करके आपने कोई चीज़ करी तो आप उसको लेबर्ड कहते हो ईजी यानी कोई चीज़ बहुत आसानी से कर दी लॉस यानी जो आपने कोई चीज़ खो दिए तो पोएट कह रहे हैं जो पोएटर्स है वो कह रही हैं कि जो मेरी माँ है उनका चाइल्डहुड जो था वो पास्ट मेमोरी थी और उन्होंने लेबर करके यानी बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से टाइम के साथ इजीली अपने लॉस को राय किया यानी चेंज करके वहाँ तक पहुँची अंडरस्टूड और शर्ले का जो पास्ट था वो अपनी मॉम का लाफ्टर है उसकी मॉम की जो लाफ्टर है वो भूल नहीं पा रही है तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम के साथ धीरे धीरे इजीली इस लॉस को अपनी मॉम की डेथ को उन्होंने धीरे धीरे चेंज हो के एक पॉइंट पे आई हैं और भूल पाई हैं अभी भी भूल ही नहीं है लेकिन मुश्किल से धीरे धीरे टाइम निकल रहा है तो वो इस लॉस को फेस कर रही हैं कि ठीक है याद करना कम करी कि मैं कम लाऊँ अपनी मॉम को अपने माइंड में अंडरस्टूड नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं Now, she's been शी इज बीन डेड नियरली एज that ईयर्स एज दैट गर्ल lines दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट Now इज been डेड नियरली एज many ईयर्स आज मेरी मम्मी की डेथ हो गई है नियरली एज many ईयर्स एज दैट गर्ल lived. दैट गर्ल मतलब वो लड़की जो पिक्चर में थी जो 12 साल की लड़की मेरी मॉम थी उतने ही साल एग्जैक्टली आज मेरी मॉम की डेथ को भी हो गए हैं तो 12 इयर्स कि उनकी मॉम थी जब वो पिक्चर ली गई थी और आज एग्जैक्टली ट्वेल्व ईयर्स हो गए हैं जब वो पिक्चर देख रही हैं शर्ले अपनी मॉम की ट्वेल्व ईयर्स उनकी डेथ को भी हुए एंड ऑफ दिस सर्कमस्टैंस इस सर्कमस्टैंस यानी इस सिचुएशन में इस कंडीशन में देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल शर्ले कह रही कि इस सिचुएशन में इस में मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि वो बहुत दुखी है अपनी मॉम के खोने के बाद अपनी मॉम की डेथ के, के बाद वो बहुत दुखी हैं इट्स साइलेंस साइलेंसिस इतना साइलेंस है कि उसमें भी साइलेंस की आवाज़ आ रही है यानी कि उनकी मॉम की डेथ से वो इतनी दुखी हैं कि वो स्पीचलेस हो गई उनके पास शब्द नहीं बोलने के लिए वो दुखी हैं बहुत मुश्किल से अपनी मॉम को भुलाने की कोशिश करती हैं क्यों क्योंकि धीरे धीरे टाइम गुजरता जा रहा है धीरे धीरे इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है लेकिन फिर भी उनको अपनी मॉम की याद आती है वो भुलाने की कोशिश करती हैं लेकिन फिर भी उनके पास इस वक्त बोलने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो बहुत दुखी हैं और स्पीचलेस हैं साइलेंस में है बिल्कुल शांत हो गई हैं क्यों क्योंकि उनके उनको ये दुख वो बस सह नहीं पा रही है ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम ऑफ फोटोग्राफ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फॉर द नेक्स्ट वीडियो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सामरी करेंगे एंड इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट द पोएट्रिक डिवाइसेस एंड द लिटरेरी डिवाइसेस टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेंस एंड आई एम अनीशा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी एक पोम विच वॉज़ अ फोटोग्राफ उसमें हमने पूरा एक्सप्लेनेशन समझा था कि पोम पे कि, कि, किस बारे में पोम है और किसने पोम लिखी थी यानी शर्लिट वोल्सन जो उसकी पोएट्रेस हैं उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा था कि क्या उन्होंने कैसे उन्होंने वो पिक्चर देखी अपनी मॉम की और वो क्या चीज़ें याद करती हैं अपनी मॉम के बारे में और उनकी मॉम और उनके बीच का कैसा रिलेशन था हमने ये सब पढ़ा था आज हमें स्टार्ट करना है इस चैप्टर की समरी और हम ऑल्सो कवर करेंगे इसमें जितने भी एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं रिलेटेड टू द पोम एंड वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में इस पूरी पोम में क्या पोएटिक डिवाइसेज यूज़ हुए हैं तो समरी स्टार्ट करने से पहले हम वापस से हमारी लाइन्स ऑफ पोम पर जाते हैं जहाँ पे पोएटिक डिवाइसेज हैं ओके okay, सो so सबसे पहले हमारा यहाँ पे पहला पोएटिक डिवाइस आता है विच इज़ ओलिट्रेशन ना ऑलिट्रेशन क्या है हमें वावल्स तो पढ़ता है कि वावल्स क्या होते हैं वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू ये हमारे वावल्स होते हैं इनको छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्जोनेंस कहते हैं जैसे बी सी डी एफ तो जितने भी ये कॉन्जोनेंस होते हैं यानी कि बी सी डी एफ अगर वो एक साथ दो वर्ड्स के साथ फर्स्ट लेटर में आ जाते हैं तो उसे हम ऑलिट्रेशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड आ गया माय मदर्स ये दो वर्ड एक साथ हैं एक माय और एक मदर लेटर्स हैं वो कॉन्जोनेंट है यानी वावल नहीं है यानी कि एम और एम तो दो शब्द या दो वर्ड्स जब एक साथ आ जाते हैं और उन दोनों वर्ड्स का जो पहला पहला लेटर है वो एक कॉन्जोनेंट होता है और सेम कॉन्सोनेट यानी एम अगर यहाँ है तो एम यहाँ पे टी अगर यहाँ तो टी यहां पर तो उन दोनों वर्ड्स को हम क्या कहते हैं ऑलिट्रेशन पोटिक डिवाइस का नाम है ऑलिट्रेशन तो इस पूरी पोम में ऑलिट्रेशन आया है देखते हैं सबसे पहले तो माय मदर्स एक साथ है और इनके फर्स्ट लेटर्स एम है सेम भी है और एक कॉन्जोनेंट भी यानी वावल नहीं है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑलिट्रेशन आता है फिर हमारा ऑलिट्रेशन यहाँ पर भी आता है स्टूड स्टिल दो वर्ड्स साथ में हैं और दोनों के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो क्या है एक कॉन्जोनेंट है यानी एस यहाँ पर भी और एस यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी हमारा ऑलिट्रेशन आता है यहाँ पर भी थ्रू देर टी और टी यहाँ पे आ गया दो कॉन्जोनेंट एक साथ आ गए और दोनों के फर्स्ट लेटर्स सेम है दैट मीन्स ये भी एक ऑलिट्रेशन है अगेन माई मदर्स यहाँ पर भी एम और एम This is also an alliteration. Terribly transient, t, t. This is also an alliteration. So this is all about the first poetic device in our chapter, which is alliteration, and we have covered all this. Now, the second poetic device in our chapter is epithet. What is epithet? Epithet is an adjective or a phrase which is used to describe a thing or a person.

फीट को और उसके साथ क्या एडजेक्टिव जुड़ा टेरेबली फीट कैसे थे उनकी क्या क्वालिटी थी कि वो टेरेबल कि वो ट्रांजिएंट थे यानी चेंज नहीं हो सकते थे और उसके साथ यहाँ पे हमने एक फ्रेज जोड़ दिया कि कैसे ट्रांजिएंट थे टेरेबली यानी बुरी तरीके से तो किसी वर्ड या किसी थिंग या किसी पर्सन के साथ जब आप कोई आ, आ, किसी पर्सन के साथ या किसी चीज़ के साथ जब आप कोई एडजेक्टिव जोड़ते हो यानी उसकी क्वालिटी और साथ में उसके साथ एक फ्रेज भी जोड़ देते हो तो वो पूरा बन जाता है एपिथेट। अंडरस्टूड उसके बाद हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइसेस पोम में आता है वो है ऑक्सीमोरॉन ऑक्सीमोरॉन मतलब जब दो वर्ड्स एक साथ आते हैं और दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स ऑपोजिट होते हैं तो हम क्या कहते हैं ऑक्सीमोरॉन जैसे लेबर्ड इज ये ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि लेबर्ड एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जो बहुत डिफिकल्टी कोई चीज़ बहुत जो परेशानी से मेहनत से करते हैं उसे हम कहते हैं लेबर्ड और ईज मतलब कोई चीज़ बहुत ईजिली आसानी से हो जाती है तो लेबर्ड मुश्किल से ईज यानी बहुत आसानी से दोनों वर्ड्स जिनके मीनिंग्स ऑपोजिट हैं और साथ में आए तो इन्हें हम बोलते हैं ऑगजी सो so हमारा थर्ड पोइटिक डिवाइस चैप्टर में है ऑगजी सो आई होप आपको ये सारे पोएट्रिक डिवाइसेस जो इस चैप्टर में इस पोम में इंक्लूडेड हैं वो क्लियर हुए होंगे नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोम समरी द पोम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड तो पोएटर्स हमें क्या बता रही है यहाँ पे कि ये पोम मेरी मॉम के लिए ट्रिब्यूट है यानी कि उनकी याद में उनकी रिस्पेक्ट में उन्होंने ये पोम अपनी मदर के लिए अपनी मॉम के लिए लिखी है और वो इस, इस पिक्चर इस फोटोग्राफ में अपनी मॉम को देख रही है और ये जो फोटोग्राफ है ये कार्डबोर्ड का बना है यानी उस जमाने का है जब ग्लास एंड वुडन फ्रेम्स नहीं होते थे द पिक्चर हैज थ्री गर्ल्स इन विच द मिडल वन इज द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट तीन गर्ल्स हैं इसमें जिसमें बीच वाली ओल्डेस्ट यानी सबसे बड़ी और टॉलेस्ट है अमंग्स द थ्री गर्ल्स इट इज हर मदर ये जो सेंटर वाली गर्ल है वो कौन है वो इट की मदर है

ये उनके अंकल ने पिक्चर क्लिक की द पोएट कुर मदर स्वीट फेस पोएट अपनी मॉम को बहुत याद कर रही है कुछ हेल्प नहीं कर सकती अपनी बस एक ही चीज करती है अपनी मदर की स्वीट स्माइल जो है इस पिक्चर में उसको देख सकती है और उनको याद कर सकती है द सी टच हर्ड टेरेबिली ट्रांसियन फीट जो सी था वो पिक्चर में उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट यानी वो फीट जो टाइम के साथ चेंज होते जाते हैं उनको टच कर रहा था बट खुद सी कभी चेंज नहीं होता विच डिपेक्टेड शी चेंज ओवर चीज हमें क्या बता रहे हैं फीट की वो सालों बाद चेंज हुई क्योंकि ह्यूमन बॉडी एज के साथ चेंज होती है हम अलग जैसे दिखने लगते हैं 20-30 ईयर्स मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ अब उनकी बीच हॉलीडे खत्म हो गई उनकी मॉम की एज बढ़ गई वो बड़ी हो गई है अब वो इस पिक्चर को देख के लाफ कर रही है शी वुड मेक द पोएट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हाउ हर पेरेंट्स वो ड्रेस अप फॉर द बीच हॉलीडे तो वो शर्ली टूल्सन अपनी बेटी को एक पिक्चर दिखा रही है और कह रही है कि देखो कैसे हमारे पेरेंट्स हमको कितने फनी वे से हमको ड्रेसअप करते थे बीच हॉलीडे के लिए देखो बेटी को देखो डॉली को द बीच हॉलीडे वॉज अर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमरीज हर लाफ अ पोएट्स फेवरेट मेमरी तो जो ये बीच हॉलीडे ये पोएट की मॉम की फेवरेट पास्ट मेमोरी है और ये जो पोएट की मॉम की जो हैप्पीनेस है जो लाफ्टर है जो स्माइल है ये पोएट की पास्ट बेस्ट मेमोरी है क्यों क्योंकि अब उनकी मॉम इस दुनिया में नहीं है और वो उनकी इस लाइफ लाफ को इस स्माइल को कभी दोबारा नहीं देख पाएंगी सिर्फ उस पिक्चर में देख सकती हैं और रिकॉल कर सकती हैं बोथ ऑफ़ देम लॉस समथिंग दोनों ने कुछ खोया है उनकी मॉम ने भी और खुद पोएट ने भी दे चेरिश्ड एंड यच कैन नॉट लिव दैट मोमेंट अगेन तो पोएट ने क्या खोया है अपना अपनी मॉम को खोया है और जिसको और उनकी मॉम की मेमरीज को सिर्फ वो चेरिश कर सकती याद कर सकती पर वापस कभी ला नहीं सकती सिमिलरली पोएट की जो मॉम है उन्होंने भी कुछ खोया है क्या खोया है अपने बचपन के चाइल्डहुड के सबसे बेस्ट डेज अपनी कजनस के साथ जो वो इन्जॉय करती थी और वो भी अब वो दोबारा इंजॉय नहीं, नहीं कर सकती थी क्यों क्योंकि वो बड़ी हो गई थी बचपन के दिन अब चले गए थे दो स्वीट मोमेंट्स वर ना अब उस वक्त के जो मोमेंट्स थे अब मेमरीज यादें बन गई हैं नाउ द पोएट्स मदर हैड डेड फॉर द पास्ट ट्वेल्व ईयर अब पोएट की की डेथ हुए ट्वेल्व ईयर्स हो चुके हैं चुके हैं विच इज सेम नंबर एज हर एज वो एग्जैक्टली सेम नंबर की एज हो गई है अब उनकी जब वो पिक्चर में थी यानी जब पिक्चर की पिक्चर में उनकी फोटो हम देख रहे हैं उनकी मॉम को तो वो 12 इयर्स की थी और अब एग्जैक्टली 12 इयर्स हो चुके हैं उनकी मॉम की डेथ को भी व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन बैक देन she cannot express the grief। वो अब ग्रीफ अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अपना अपना दुख अपना पेन अपनी सफरिंग जो है पोएट एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं दैट शी हैज फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस जो उनकी मदर अब एब्सेंट है यानी अब इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है तो उससे उनकी बहुत तकलीफ है और इतनी साइलेंट हो गई है कि अब उनके पास शब्द ही नहीं बोलने के लिए तो ये वो चीज अब बयां या एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे हमारी समरी कंप्लीट होती है यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर्ड होंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉट डज द वर्ड डोनेट इन डिनोट इन द पोम वाई हैज दिस वर्ड बीन यूज तो ये जो वर्ड कार्डबोर्ड है ये क्यों यूज़ हुआ है पोम में ये क्या डिनोट करता है यानी क्या दर्शाता है द इन द पोम द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स फ्रेम विथ सपोर्ट्स द फोटोग्राफ कार्डबोर्ड यानी कि वो फ्रेम जो सपोर्ट करता है फोटोग्राफ फोटोग्राफ बीच में होता है और कार्डबोर्ड उसको सपोर्ट करके रखता है दिस वर्ड हैज़ बीन यूज इन द पोम बिकॉज द पिक्चर इज़ वेरी ओल्ड ये पिक्चर बहुत ओल्ड है इसीलिए वर्ड कार्डबोर्ड यूज़ किया गया दर्शाने के लिए कि इतना ओल्ड है इतना उस जमाने की ये बात है जब फ्रेम्स जो वुडन फ्रेम्स और ग्लास फ्रेम्स होते हैं वो नहीं होते थे तब कार्डबोर्ड के जो फ्रेम्स हैं वो यूज किए जाते थे क्वेश्चन, वॉट हैज नॉट चेंजड ओवर दस दिस सजेस्ट समथिंग टू यू इतने सालों से क्या चीज चेंज नहीं हुई है और जो चीज चेंज नहीं हुई है वो आपको क्या सजेस्ट कर रही है क्या बता रही है तो इतने सालों से सी चेंज कभी नहीं हुआ है यस द लाइंस एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस ये जो लाइन है हमारी चैप्टर में से ये हमको बताती है ये डिपिक करती है यानी हमें बताती है दट द सी विच टचड हर मदर्स फीट इन इज द वन विच हैज़ नाट चेंज्ड ओवर द यर्स तो ये वो सी है जो सालों साल सेम रहता है और इसी सी ने उसकी मॉम के

यानी काम और जो इमोरल है यानी जो मरता नहीं है हमेशा रहता है ऐसा ही रहता है ह्यूमन बींग हैज अ लाइफ स्पैन ह्यूमन बींग यानी इंसानों की एक लाइफ स्पैन होती है कि एक पर्टिकुलर एज तक वो जिंदा रहते हैं एंड हैज टू डाई और उनको वन डे इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना है लाइफ इज नॉट परमानेंट और हम लोगों की लाइफ परमानेंट नहीं है द पोएट इज सैड अबाउट द मदर्स डिमाइस पोएट अपनी मदर के डिमाइस यानी उनकी डेथ से बहुत सैड है

ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं इसमें ऑक्सीमोरॉन आपका पोइटिक डिवाइस भी है अब वो इन लाइन का मीनिंग पूछ रहे हैं कि बोथ राय विद द लेबर डीज ऑफ लॉस का मतलब क्या है द अब लाइन्स मीन्स दैट द पोएट्स मदर फेल्ट पेन इन लाइन्स का मतलब है कि पोएट की मदर जो थी वो बहुत पेन फील कर रही थी यानी बहुत तकलीफ में थी ओल्ड फोटोग्राफ जब भी वो अपनी ये ओल्ड अपने बचपन की फोटोग्राफ देखती थी हमेशा दुखी हो जाती थी बिकॉज द इनसेंट childhood डेज वुड नेवर बी बैक क्योंकि अभी प्यारे सुहाने बचपन के दिन उनके वापस कभी नहीं आएंगे दोज आर जस्ट द मेमरीज ये सिर्फ अब यादें हैं वाइल द पोएट हैज लॉस्ट हिज मदर ट्वेल्व ईयर्स अ गो एंड शी मिसेज a lot and एंड her laughing लाफिंग एंड पॉइंटिंग आउट ऑफ द दे यूज टू वेयर एट द बीच हॉलीडेज तो जो पोएट है वो अपनी मॉम की लाफ्टर को बहुत याद करती हैं और वो लाफ्टर जो बताती थी कि अरे देखो पेरेंट्स ने हमें कैसे रेडी किया है हम लोग कैसे बीच हॉलीडे पर गए थे ये सब को बहुत मिस करती हैं बोथ ऑफ देम लॉस समथिंग दोनों ने पोएट ने भी और पोएट की मोम ने कुछ खोया पोएट की मोम ने उनके चाइल्ड डेज खोए और पोएट्स ने तो अपनी मोम को ही खो दिया और जो खोया है बहुत लेबर्डीज बहुत मुश्किल से उन्होंने इसको भुलाने की कोशिश करी लेकिन ईजीली ले टाइम के साथ वो भूलते गए फोर्थ क्वेश्चन द थ्री स्टैंड डिपिक थ्री डिफरेंट फेजेस व्हाट आर दे तीन स्टैंडा से पोमे और तीनों डिफरेंट फेज डिफरेंट लाइफ लाइफ का पार्ट डिपिक कर रहे हैं क्या है वो तो फर्स्ट स्टैंडा क्या डिपिक करता है क्या बताता है हर मदर्स चाइल्डहुड पहला शांजा में उनके मदर के जो चाइल्डहुड डेज हैं वो आते हैं व्हेन शी वाज ट्वेल्व इयर्स ओल्ड जब वो वो बारह साल की थी इट टॉक्स अबाउट द फोटोग्राफ ऑफ हर विद टू कजन्स ऑन अ बीच हॉलीडे तो वो एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बात करते हैं जिसमें वो दो गर्ल कजन्स के साथ अपनी बेटी एंड डॉली के साथ गई थी और उनके अंकल ने वहाँ पर फोटोग्राफ क्लिक करी थी हर मदर चेंज ओवर द ईयर्स और उनकी मॉम चेंज होती गई ग्रू ओल्डर यानी कि बड़ी होती गई वेल द सी विच टच दर फीट इन दैट बीच हॉलीडेडली सी वैसा का वैसे रहता है चेंज नहीं रहता बट मदर चेंज हो गई बड़ी हो गई कजन बड़ी हो गई मदर इस दुनिया से भी चली गई बट सी वहीं का वहीं सेम है सेकेंड स्टैंडा क्या बताता है पोम का द पोय टॉक्स अबाउट हर चाइल्ड हुड डेज वेन हर मदर यूज टू लुक एट द्राफ एंड रिकॉल एवरी थिंग मैं इन द फर्स्ट स्टैंडर अब यहाँ के जो चाइल्ड हुड डेज है किसके चाइल्ड हुड डेज है मॉम अपने चाइल्ड हुड डेज को मिस कर रही है और यहाँ पोएट अपने खुद के पोएट के पोएट्स जो हैं उनकी खुद के चाइल्डहुड डेज को मिस कर रही हैं क्योंकि उनके चाइल्डहुड डेज में उनकी मॉम उनके साथ थी और कैसे उनकी मॉम वो फोटोग्राफ दिखा रही थी कैसे लाफ कर रही थी स्माइल कर रही थी तो पोएटर्स जो है अपने चाइल्डहुड डेज को यहाँ पे मिस कर रही हैं और थर्ड स्टैंडजा में द पोएट शेयर्स दैट हर मदर इज डेड अब थर्ड स्टैंडा में पोएट ये शेयर कर दी कि अब तो मॉम की डेथ हो गई मॉम अब इस दुनिया से चली गई ना मॉम के चाइल्ड बचे ना मेरे चाइल्ड मॉम भी नहीं है अब एज 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 अगो हर इन द फोटोग्राफ ट्वेल्व ईयर्स की एज की फोटोग्राफ उसमें थी और ट्वेल्व ईयर्स की अब उनकी डेथ को भी इतना टाइम हो गया है द पोएट इज रिकॉलिंग हर मदर्स ओल्ड मेमरीज वो आर लुकिंग एट द फोटोग्राफ पोएट अपनी पिक्चर देख रहे हैं मॉम की और अपनी ओल्ड मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं अपनी मॉम से रिलेटेड she is in pain वो बहुत पेन में है और अपनी मॉम को मिस कर रही है तकलीफ में है और याद कर रही है her deceased mother यानी कि उनकी जो डेड मॉम है उनको याद कर रही है she has no words to describe the grief और अपने इस grief अपने इस दुख अपने इस पेन को डिस्क्राइब करने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं है व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड ये जो अंकल ने कैमरा लिया हुआ है और पिक्चर क्लिक करी है मॉम की और दोनों गर्ल बेटी डॉली की उन्होंने क्या कैप्चर किया क्या अपने अंदर उन्होंने कैद कर लिया द द द द कैमरा हैज़ पोएट्स मदर एंड एंड टू गर्ल बेटी डॉली ऑन बीच दे वेंट फॉर पैडलिंग और वो लोग पैडलिंग पे गए थे वेयर हर मदर्स अंकल उनकी मम्मी के जो अंकल थे उन्होंने ये फोटो कैप्चर करी है बिटवीन द मोमेंट बिटवीन द मोमेंट यानी कि जब वो लोग इंजॉय करे तो बोला था वेट वेट का पिक्चर तो उस मोमेंट में जब वो लोग इंजॉय करे थे बीच में उन्होंने ये पिक्चर को कैप्चर कर लिया हर मदर वॉज अराउंड ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड एंड वॉज इन द मिडल जो तीन गर्ल्स थी मिडल वाली जो थी उनकी मोम थी और ट्वेल्व ईयर्स की थी शी वॉज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ अर कजन्स हैंड्स उन्होंने होल्ड किए हुए थे हु वर ऑन द साइड ऑफ व इट वॉज हर मदर्स फेवरेट पास मेमरी और ये जो बीच हॉलीडे थी ये उनकी मदर की फेवरेट पास्ट मेमरी थी तो जो अंकल ने पिक्चर कैप्चर की थी उसमें क्लिक करी थी उसमें क्या कैप्चर किया था ये सब चीज़ें उसकी मोम से रिलेटेड कैप्चर की थी द पोएट्स मदर लाफ्ट एट द स्नैप शॉट वॉट डि दिस लाफ इंडिकेट ये जो स्नैप शॉट था जो पिक्चर लिया गया था पोएट की मदर इसमें लाफ करी थी तो ये जो लाफ है ये जो खुशी है उनके चेहरे की स्माइल थी ये क्या इंडिकेट कर रही थी यानी कि क्या बता रही थी द पोएट्स मदर लाफ्ट एट द स्नैप शॉट रिकॉलिंग हर फेवरेट पास्ट मेमरीज क्योंकि वो दिखा रही थी कि मैं अपने फेवरेट पास्ट मेमरी में जो बच हॉलीडे है उसमें कितना इन्जॉय कर रही हूँ इसलिए स्माइल कर रही हूँ लाफ कर रही हूँ रही थी हैप्पी हो रही थी और हंस रही थी हर लाफ इंडिकेटेड हर रिम्बरिंग द इनसेंट डेज ये जो लाफ है ना ये क्या इंडिकेट कर रहे थे पोएट की मोम के पुराने दिन रिमेंबर कर रहे थे वो एंडिया जब आप होम स्टेक होते हो या जब किसी चीज को आप आपको बहुत याद आती है मतलब अपने पुराने दिन को आप याद करते हो मतलब मैं मैं बोल अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल में ऐसा करती थी ऐसा करती थी तो मैं नोस्टैलजिक फील कर रही हूँ यानी अपने पुराने दिन को याद करके बहुत दुखी हो रही हूँ कि अरे यार मुझे मुझे वहाँ वैसा मजा आया था तो दिस इज नोस्टैलजिक बिहाइंड द लाफ इज़ ऑल्सो द फीलिंग ऑफ पेन एंड दोज डेज वोंट बी बैक तो जो उनकी मॉम लाफ कर रही थी उस वक्त जब वो देख रही थी रही थी थी, और लाफ कर तो उसके उसमें खुशी तो थी कि चलो भाई मैंने अपना बहुत किया और इस उस उस कि तरीके से मस्ती नहीं कर पाऊंगी वर्कमस्टांस रेफर टू ये दिस सर्कमस्टानस क्या सर्कमस्टांस मतलब ये प्रेजेंट सिचुएशन या ये जो प्रेजेंट अभी कंडीशन है वर्ड्स रेफर्स टू दी प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ़ द सिटेट की प्रेजेंट सिचुएशन है विच इज पेनफुल मेमोरीज़ ऑफ अर मदर यानी कि उसमें वो बहुत पेनफुल फील कर रही है और अपनी मोम को बहुत याद कर रही हैं हु हैव बीन डिसीज यानी कि डाइड ट्वेल्व इयर्स अगो वाय लुकिंग एट द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ अर मदर चाइल्ड हुड मेक्स हर मिस हर मोर अपनी मॉम को तो वो कभी भूल नहीं पाएगी क्योंकि माँ को कोई भूलता नहीं है लेकिन इस फोटोग्राफ को जब जब वो देख रही हैं उनको और उनको याद आ रही है और वो मिस करने लग रही हैं और और ज़्यादा सैड हो जा रही हैं तो बार बार उनको ये फोटोग्राफ देख के अपनी मॉम की याद आ रही है शी रिमेंबर्स हर लाफिंग एंड हाउ द फोटोग्राफ वॉज हर फेवरेट पास्ट मेमरी तो वो याद करती है कि मेरी मॉम इस फोटोग्राफ को देख के कैसे लाफ कर रही थी और बताती थी कि ये बीच हॉलीडे पर जो मैं गई थी ये मेरी फेवरेट पास्ट मेमरी है so children this was all about our first poem from the book hornbill i hope you would have enjoyed and stay tuned for the next chapters till until then stay safe and bye bye